सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड में एक कंप्लीट बंगलो बनाने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बंगलो यहां पर क्रिएट किया है, जिसमें हमने स्टेयरकेस दिखाया हुआ है, रेलिंग दिखाई हुई है, रेलिंग में अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं, यहां पर आपको विंडोज़ प्रोवाइड हो गए हैं। अगर हम इसे रियलिस्टिक में देखते हैं तो इसमें मटेरियल भी हमने अप्लाई किया है, टेक्स्चर्स भी हमने इसमें अप्लाई किए हुए हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर डोर में किस तरह से आप वुडन टेक्सचर यहाँ पर दे सकते हो, रियलिस्टिक डोर दिखा सकते हो, इसे भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस तरह से विंडोज़ यहाँ पर देखिए, इस टाइप के स्टेयरकेस भी हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमने हेडरूम भी दिखाया हुआ है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी क्रिएट किया है टेरेस में यहाँ पर, और इसे मटेरियल भी अप्लाई किया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाटर के साथ है, आप इसे ग्राउंड में भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ऊपर टेरेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका पूरा एलिवेशन हमने बनाया हुआ है और इसकी रेंडरिंग्स भी हमने रेडी किए हुए हैं। इस वीडियो से आप सीख सकते हो कि ऑटोकैड में प्लान से आप 3D किस तरह से बना सकते हो, एक मॉडर्न बंगलो के डिज़ाइन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और इसमें आप टेक्सचरिंग और रेंडरिंग भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस ऑटोकैड में रेंडरिंग कर पाएं। सबसे पहले आप ऑटोकैड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि स्टूडेंट के लिए 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। अब मैं ऑटोकैड को यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने जो ऑटोकैड डाउनलोड किया है उसका वर्जन है 2020। आप चाहो तो कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, सारे वर्जन्स वर्क करने में सेम हैं, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर हमारा ऑटोकैड 2020 वर्जन ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर गेट स्टार्टेड या फिर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करने के बाद हम इसमें 3D वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्क स्पेस को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, यहाँ से मैं जाऊँगा 3D मॉडलिंग पे। अगर आपके कंप्यूटर में ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल इस एरो पे जा सकते हो। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वर्क स्पेस को ऑन कर देना है। जब आप यहाँ पर वर्क स्पेस को चेकमार्क कर दोगे तब आपको ये दिखाई देने लगेगा, या फिर यहाँ से भी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर गियर का सिंबल है, यहाँ पर भी जाकर आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपका वर्क स्पेस चेंज होकर 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो हमारा 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस है उसमें यहाँ पर 3D के कमांड्स अवेलेबल हैं प्लस 2D के कमांड्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ पर 3D बेसिक्स में काम करना है फिर आप बेसिक्स में भी काम कर सकते हो। इसमें हमें रिक्वायर्ड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 3D मॉडलिंग ज़्यादातर मैकेनिकल वाले यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस कमांड होते हैं जो कि मैकेनिकल के कॉम्प्लिकेटेड शेप डिज़ाइन में हेल्प करता है। बंगलो के 3D मॉडलिंग में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं होते, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो हमारा काम 3D बेसिक से भी चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपने ऑटोकैड फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैंने इस फाइल की जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 2D प्लान फॉर 3D बंगलो का इस फाइल को ओपन कर लेना है। आपका कोई भी वर्जन होगा ये ओपन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने प्लानिंग प्रोवाइड कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो टाइप में प्लानिंग मैंने प्रोवाइड की है, एक तो हम लोग अपने 3D के लिए इस्तेमाल करेंगे इन सारे प्लान्स का, और यहाँ पर मैंने इन प्लान के मेजरमेंट्स को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आप मेजरमेंट देखने के लिए जैसा कि यहाँ पर सील हाइट कितनी है, विंडो हाइट क्या है, या फिर विंडो यहाँ पर कॉलम वगैरह की साइज़ क्या है, तो इन सब को देखने के लिए आप इस मेजरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह मैंने यहाँ पर भी विदाउट मेजरमेंट प्लान प्रोवाइड किया है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने 3D में करने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो मैंने प्रोवाइड किया है जो ड्राइंग, वहाँ पर ये जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर एक रूम है और यहाँ पर कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये फर्स्ट फ्लोर का मैंने प्लान दिया हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने प्लान के सिर्फ आउटर वॉल्स को क्रिएट किया है। अगर आपको कोई एक्सटीरियर व्यू बनाना है तो इंटीरियर वॉल बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप सिर्फ एक्सटीरियर वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्स बनाए हुए हैं, इंटीरियर में हम लोग काम नहीं करेंगे। उसी तरह मैंने इसके एलिवेशंस भी बनाए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाने में करेंगे। जैसे कि इस 3D विंडो का इस्तेमाल हम लोग 3D विंडो बनाने के लिए करेंगे, उसी तरह इन कॉलम और डिजाइन का इस्तेमाल हम लोग अपने 3D को बनाने के लिए करेंगे। उसी तरह से मैंने यहां पर फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग को भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम लोग 3D में इसे कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। यहाँ पर बालकनी है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने गैलरी दिखाया हुआ है। तो इन ड्राइंग का इस्तेमाल हम लोग अपने 3D में वॉल्स, विंडो और यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए करेंगे। तो चलिए हम अपने 3D के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस 3D बंगलो को बनाने के लिए हम कुछ 3D इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रेंडरिंग्स यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, जो कि मैंने ऑटोकैड में रेंडरिंग्स किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस रेफरेंस का इस्तेमाल करके हम लोग अपने 3D बंगलो को बनाएंगे। तो इसी तरह का हम लोग अपने बंगलो को यहाँ पर बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह का। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करके हम लोग डिजाइंस और विंडो, डोर, सारी चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर ऑटोकैड में ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ हमारा यहाँ पर प्लानिंग ओपन होना चाहिए। चलिए अब इसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे एक आइसोमेट्रिक व्यू में देखना है। आइसोमेट्रिक में देखने के लिए आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हो व्यू क्यूब पे, या फिर आप यहाँ पर जा सकते हो टॉप पे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप SW आइसोमेट्रिक कोई भी व्यू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर SW लेने वाला हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा SW आइसोमेट्रिक देख लीजिए। तो इसे आपको इस तरह के व्यू में देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बिना इसे 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा कि ये जो प्लान है हमारा, इसे कॉपी कर लूँगा, ताकि अगर मुझे बाद में कभी इन प्लान्स की ज़रूरत पड़े तो मैं इसे वापस से यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, CO Enter करेंगे, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर कहीं पर भी और इसे कॉपी करके साइड में ले लेंगे और क्लिक करेंगे और एस्केप प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर एक प्लान कॉपी हो चुका है। चलिए इस प्लान को हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम लोग 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रेस पुल का इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्स्ट कमांड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इस 3D में करने वाले हैं, जो कि है प्रेस पुल। तो चलिए प्रेस पुल को मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रेस पुल और इसके अंदर अपने कर्सर को लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीजन कैप्चर हो रहा है। इस रीजन को आप अगर क्लिक करते हो यहाँ पर अंदर की तरफ, तो ये कैप्चर होके 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे हाइट भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 मीटर हाइट दे देता हूँ, 10 एंटर कर देना है। तो देखिए, हमारे रेक्टेंगल को एक 3D हाइट मिल गई है 10 मीटर की। अब आप इसे ऑर्बिट करके चारों तरफ से देख सकते हो। ऑर्बिट करने के लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और अपने माउस से मिडल माउस को प्रेस करना है। दोनों प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्लस मिडल माउस, दोनों प्रेस करने के बाद आप इसे 3D में ऑर्बिट कर पाएंगे और किसी भी व्यू से इसे देख पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इस पर स्पेसिफिक क्लिक करते हो तो ये फोकस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इस पर फोकस बना रहेगा। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करके देखना है तो इस पर फर्स्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद इसे ऑर्बिट कीजिए, अच्छे से ऑर्बिट हो जाएगा। तो इस तरह शिफ्ट प्लस मिडल माउस से आप ऑर्बिट कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारे प्लान को भी आप ऑर्बिट कर सकते हो, इस तरह से देखिए। तो शिफ्ट प्लस मिडल माउस और यहाँ पर माउस को मूव करना है, प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे कि समझिए, यहाँ पर अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट्स में इस रेक्टेंगल को, अगर मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन बना देता हूँ और फिर प्रेस पुल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला अलग रीजन कैप्चर होगा
और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसे हम लोग अलग रीजन कैप्चर करके हाइड दे पाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी फेसेस को भी प्रेसफुल कर पाएंगे। क्लिक करके देखिए, इस तरह से किसी भी फेस को आप प्रेसफुल कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर डायमेंशन भी डाल सकते हो, 20 एंटर। इस तरह से आप डायमेंशन से प्रेसफुल कर पाएंगे। प्रेसफुल का इस्तेमाल हम लोग मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर इस फेस पे क्लिक करते हो और अंदर की तरफ प्रेसफुल करते हो इस डायरेक्शन में और क्लिक करते हो तो यहाँ पर मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो प्रेसफुल से दो काम होते हैं, मटेरियल ऐड भी होता है और मटेरियल रिमूव भी होता है, और इसी तरह अलग अलग रीजन्स को आप कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रेसफुल करके देखते हैं। प्रेसफुल करने के लिए एक आप ध्यान में रखिए कि अगर आप प्रेसफुल लेते हो तो आपका जो यहाँ पर पिक बॉक्स नजर आ रहा है वो आपके रीजन में पूरी तरह से फिट आना चाहिए। इसके अंदर देखिए, पिक बॉक्स पूरी तरह से इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फिट आना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसे प्रेसफुल कर पाएंगे। अगर आप इस तरह से प्रेसफुल करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि पिक बॉक्स जो है वो हमारे रेक्टेंगल से बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से प्रेसफुल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अंदर फिट कर लीजिए इस तरह से जूम करके, उसके बाद आप इसे क्लिक कर सकते हो इसे हाइट देने के लिए। तो मैं इस कॉलम को हाइट दे देता हूँ 3 मीटर्स। आप कम भी रख सकते हो पार्किंग के लिए, तो 3 एंटर करते हैं। उसके बाद फिर मैं इसे जूम करके क्लिक करता हूँ, इसे भी मैं 3 एंटर कर देता हूँ। उसी तरह आप इसे भी प्रेसफुल कर सकते हो। स्पेस करके 3 मीटर्स को आप रिपीट कर सकते हो, स्पेस फिर से यहाँ पर क्लिक और स्पेस, फिर से यहाँ पर क्लिक और स्पेस। तो इस तरह से आप सेम डायमेंशन प्रेसफुल के रिपीट कर पाएंगे स्पेस बार का इस्तेमाल करके। चलिए इस वॉल को भी हम लोग प्रेसफुल कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें वॉल नज़र आ रही है, तो मैं फिलहाल इसे इस तरह से रीजन में कैप्चर कर लेता हूँ। देखिए हमारा रीजन कैप्चर नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मगर कोई भी रीजन यहाँ पर कैप्चर नहीं हो रहा है। हालांकि हमारा जो पिक बॉक्स है वो हमारे रेक्टेंगल के अंदर है, रीजन के अंदर है। तो करना क्या होगा कि हमें यहाँ पर इस पूरे रीजन को भी दिखना चाहिए। देखिए ये जो पूरा रीजन दिख रहा है आपको, ये पूरा रीजन भी आपके डिस्प्ले में दिखना चाहिए। अगर पूरा नहीं दिखेगा तो कैप्चर नहीं होगा, तो पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरा पहले इस तरह से ले लेता हूँ और यहाँ पर कैप्चर करता हूँ। देखिए कैप्चर हो रहा है, और क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। देखिए क्लिक करके ये अब कैप्चर हो चुका है। अब मैं इसे प्रेसफुल कर लेता हूँ 3 एंटर। अगर आपको प्रेसफुल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले 3D का, तो उसे आप देखकर प्रेसफुल को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको प्रेसफुल बताने वाला हूँ, वो वीडियो देख सकते हो आप। उसमें आप 3D के और भी ज़्यादा ऑप्शन सीख सकते हो। तो चलिए स्केप कर देता हूँ मैं यहाँ पर बाहर आने के लिए प्रेसफुल से। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने प्रेसफुल को कर लिया है, अपने ग्राउंड फ्लोर को। यहाँ पर मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब चलिए इसके ऊपर हम लोग एक स्लैब बनाते हैं। तो स्लैब बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल, एक तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो। तो रेक्टेंगल की साइज यहाँ पर जो प्लॉट साइज है यहाँ पर आप देख सकते हो 12x12 मीटर। तो 12 मीटर का आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना सकते हो। REC एंटर क्लिक करना है और यहाँ पर 12,12 एंटर का इस्तेमाल करना है। देख सकते हो एक रेक्टेंगल बना दिया है, और अब इसे हम लोग प्रेसफुल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ 0.15 प्रेसफुल कर देंगे, यहाँ पर एक स्लैब बन जाएगा। तो स्लैब को आप यहाँ पर मूव करके अपने इस प्लान में रख सकते हो। और भी एक मेथड है कि आप यहाँ पर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम लोग इसे मूव कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इसे M फॉर मूव का इस्तेमाल करेंगे। M एंटर करना है, M एंटर। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको बेस पॉइंट देना है इस पॉइंट को, देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर इसे रख सकते हो। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जिससे हमारा स्लैब यहाँ पर फिट हो जाएगा। सेकंड मेथड जो कि यहाँ पर बॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, तो बॉक्स पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 0.15 एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप स्लैब फिट कर सकते हो दोनों मेथड का इस्तेमाल करके। चलिए आगे के रूम्स हम लोग प्रेसफुल करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये प्लान कॉपी करेंगे, ये वाला, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर ये रख देते हैं। तो यहाँ पर अब इस वॉल को भी हम लोग प्रेसफुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना क्या है कि इन विंडोज़ के सिंबल को बाद में डिलीट कर लेना है। तो
तो मैं बाद में डिलीट करूंगा, अभी मैं फिलहाल वॉल्स को प्रेस पुल कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल जो हाइट है हमारी, यहाँ पर जो फ्लोर हाइट आपको नजर आ रही होगी तो वो 3 मीटर्स की है, और जो सील हाइट है वो है यहाँ पर 0.9। और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर डायमेंशन दिखा देता हूँ, तो डायमेंशन दिखा देते हैं यहाँ इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक, तो देख सकते हैं यहाँ पर सील हाइट इसकी 0.65 है। तो सबसे पहले मैं 3 मीटर का यहाँ पर फ्लोर हाइट ले लेता हूँ इसे, तो थोड़ा सा ऑर्बिट करेंगे, प्रेस पुल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रीजन्स को कैप्चर करेंगे इस तरह से, क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 एंटर, और इसे भी स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस 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 करके आप प्रीवियस डायमेंशन रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत ही बड़ा रीजन है, देख सकते हो ये पूरी वॉल यहाँ पर एक ही बार में प्रेस पुल होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर पिक बॉक्स को फिट करना है अंदर की तरफ। पिक बॉक्स अगर फिट नहीं आ रहा है तो आप पिक बॉक्स के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आप सिंपल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन में चले जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन और यहाँ पर पिक बॉक्स साइज, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आपको रीजन कैप्चर करने में आसानी होगी। तो देखिए अब मैं प्रेस पुल लेता हूँ तो ये छोटा सा पिक बॉक्स हमारे रीजन में इजीली कैप्चर हो रहा है। क्लिक करेंगे, स्पेस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अपने वॉल्स को भी प्रेस पुल कर लिया है। चलिए हम अब ये जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं विंडो के लिए, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इन्हें आपको सारे विंडोज़ के सिंबल्स को डिलीट कर लेना है। अब सील हाइट को आपको प्रेस पुल करना है, तो प्रेस पुल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये विंडो की सील हाइट मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर 0.9 एंटर। उसके बाद ये जो है हमारा सेकंड विंडो, तो इसे 0.65 पे करना है, 0.65 एंटर। इस तरह से ये हमारा मेन डोर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने मेजरमेंट्स में दिखाया हुआ है यहाँ पर 65.65 ये हाइट आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, साइड के जो विंडोज़ हैं उन्हें भी हम लोग प्रेस पुल कर लेंगे। ये भी सेम डायमेंशन में आपको प्रेस पुल करना है, 0.9 एंटर, और यहाँ पर भी 0.9। तो देखिए मैंने सारे यहाँ पर बॉक्सेस प्रेस पुल कर लिए हैं। अब आपको ऊपर से भी यहाँ पर एक बॉक्स लगाना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये जो पोर्शन है, ये भी बॉक्स से हमें बनाना पड़ेगा जो कि 0.9 का ही होगा। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ अपने बॉक्स को, देखिए इस बॉक्स को कॉपी करूँगा, साथ में इस बॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे, और इन सब को हम लोग कॉपी कर लेंगे, CO Enter करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि ये तीनों बॉक्सेस ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसे भी ऊपर की तरफ कॉपी कर लेता हूँ, CO Enter, और इस पॉइंट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये जो कॉपी किया है यहाँ का बॉक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स देखते हो DI फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप मेजर करते हो तो यहाँ पर 0.9 का बॉक्स है। तो हमने तो यहाँ पर जो बॉक्स अभी प्रोवाइड किया हुआ है वो उसकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, नीचे 0.65 है, तो ऊपर भी यहाँ पर 0.65 का ही बॉक्स आया होगा। तो मैं इसे एडिशनली प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रेस पुल लेता हूँ और इस पॉइंट इस फेस को मैं नीचे की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ। क्लिक करके प्रेस पुल से आप इसे प्रेस पुल कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एडिशनल यहाँ पर 0.25 प्रेस पुल कर देता हूँ, 25 एंटर, तो यहाँ पर टोटल जो हाइट हो जाएगी वो 0.9 की हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो हाइट हो गई है यहाँ पर 0.9। तो यहाँ पर भी मैंने इस विंडो को भी बना लिया है। अब डोर के यहाँ पर हम लोग पार्ट्स लगाएंगे, तो डोर के लिए हम लोग इसी बॉक्स को कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, CO Enter, इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो डोर था उसके लिए बॉक्स थोड़ा छोटा हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से प्रेस पुल करेंगे और प्रेस पुल करेंगे इस फेस को, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ, जिससे क्या होगा इस पॉइंट तक प्रेस पुल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी फिट करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, CO फॉर कॉपी, बेस पॉइंट इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर पूरी तरह से फिट आ चुका है हमारा बॉक्स, देख सकते हो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर के प्रेस पुल यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस हैं वो पूरी तरह से अलग अलग है।
हमारे ओरिजिनल वॉल से अलग अलग है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको गिज़मो मिलेगा, इसे हम लोग गिज़मो बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने बॉक्स को मूव करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर ग्रीन डायरेक्शन पे क्लिक करते हो तो इसे इस डायरेक्शन में आप मूव कर पाएंगे या फिर पीछे की तरफ मूव कर पाएंगे। इसी तरह से रेड डायरेक्शन है, जिससे आप इसे रेड डायरेक्शन में मूवमेंट दे पाएंगे, और यहाँ पर ब्लू डायरेक्शन में भी मूवमेंट दे पाएंगे गिज़्मो का इस्तेमाल करके। मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ अपने पोजीशन में लाने के लिए। तो इसे सबसे पहले ये मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसे यूनियन कर देते हैं। यूनियन से क्या होगा कि सारे बॉक्सेस एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। याद रखिए कि यूनियन करने के बाद उसे आप अनयूनियन नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूनियन कर लेता हूँ। यहाँ पर यूनियन कमांड आप प्रेसफुल के बाजू में देख सकते हो, शॉर्टकट है UNI शॉर्टकट है उसके लिए, UNI यूनियन के लिए। एंटर कीजिए और उसके बाद इन सारे पार्ट्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एंटर प्रेस करने के बाद सारे बॉक्सेस यहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब आप किसी भी बॉक्स को कॉपी या फिर मूव नहीं कर पाएंगे। ये मूव पूरी तरह से एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुका है, तो आप इसे इजीली मूव कर पा सकते हैं। तो नीचे के प्लान की हमें ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट भी कर सकते हो इसे। अब मैं क्या करूँगा कि इसे हम ऊपर की तरफ यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मूव करके फिट कर देता हूँ। सिलेक्ट CO फॉर कॉपी, एंटर, और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे, और उसके बाद यहाँ पर आप इस पॉइंट पे इसे रख दीजिए क्लिक करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को भी फिट कर लिया है इजीली। अब हम लोग इसके स्लैब को भी यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी स्लैब को कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट CO, एंटर। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ और इसे इस पॉइंट पे यहाँ पर मैच कर देता हूँ पूरी तरह से, स्केप कर देते हैं। आप चाहो तो स्लैब नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट स्लैब भी आप बना सकते हो। इसे मैं आप डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए, हमने ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया है। अब यहाँ पर मैं सेकंड फ्लोर के वॉल्स को प्रेस पुल करता हूँ, तो सेकंड फ्लोर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस व्यू को आपको कॉपी कर लेना है। इस व्यू को कॉपी करते हैं, CO एंटर, और इस व्यू को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके वॉल्स को प्रेस पुल कर लेते हैं। इसकी फ्लोर हाइट अगर आप यहाँ पर चेक करते हो फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो आप देख सकते हो कि जो फ्लोर हाइट दी हुई है वो 3.6 की है। तो इसलिए हम लोग सारे वॉल्स 3.6 में यहाँ पर प्रेसफुल करेंगे, और सील हाइट यहाँ पर 0.9 है, और इस विंडो की 1.2 है। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रेसफुल यहाँ पर करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर इस प्लान को प्रेसफुल करता हूँ। सही व्यू में देखना ज़रूरी है, आपको इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू में देख लीजिए अपने प्लान को, जिससे आपको प्रेसफुल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं प्रेसफुल लेता हूं और मैं इसे पे क्लिक करता हूं, 3.6, एंटर। उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे स्पेस, इस पॉइंट पे क्लिक स्पेस, और यहां पर इस पॉइंट पे स्पेस। इसी तरह से आपको इन सारे वॉल्स के लाइंस को यहां पर, ये बालकनी है एक्चुअली, यहां पर हमें एक बालकनी प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर भी हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं। देखिए इस वॉल को, और यहाँ पर इस वॉल को भी। यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो मैं दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए इसे हम लोग इसी तरह से रख देते हैं फिलहाल। वॉल्स को प्रेस पुल होने के बाद आप ये बीच वाले जो लाइंस है विंडो के सिम्बॉल्स, इसे डिलीट कर लीजिए। अब मैं इसे प्रेस पुल कर सकता हूँ सील हाइट पे। तो यहाँ पर जो सील हाइट थी वो 0.9 थी, एंटर, और यहाँ की जो सील हाइट थी वो 1.2 थी। तो यहाँ पर 1.2, एंटर। इस तरह से आप इन दोनों को प्रेस पुल कर लीजिए। देखते हैं और भी डायमेंशन यहाँ पर बाकी के बॉक्सेस की। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो छोटी सी आपको ऊपर विंडो नज़र आ रही है, इसकी सील हाइट 2.3 की है। तो मैं यहाँ पर 2.3 यहाँ से ले लेता हूँ प्रेस पुल करके। तो मैं इस विंडो के लिए 2.3 प्रेस पुल करता हूँ, 2.3, एंटर। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर साइड के जो विंडोज़ हैं इनके लिए भी हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं। तो साइड के विंडोज़ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर, तो इनकी जो सील हाइट है वो 1.2 है नीचे की तरफ से, और ऊपर से भी 1.2 ही है। तो यहाँ पर मैं इस विंडो को प्रेस पुल कर लेता हूँ 1.2 पे, और इस विंडो को भी हम लोग 1.2 पे प्रेस पुल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बालकनी के लिए यहाँ पर पैरापेट वॉल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे 0.9 पे प्रेस पुल कर लेता हूँ, 0.9, एंटर। और इन
अब हमें इन ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ कॉपी करना है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक दो यहाँ पर, इन दोनों को, और यहाँ पर ये भी बॉक्स हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके सी ओ एंटर। सॉरी, इसकी हाइट अलग है तो हम लोग इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, 1.2 वाले बॉक्सेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 1.2, सी ओ एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ए पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्लिक कर दीजिए, कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं अलग से, सी ओ फॉर कॉपी, इसे भी मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे प्रेस पुल करूँगा यहाँ पर 1.2 पे, 1.2 एंटर, और यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर लूँगा सी ओ एंटर, और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी बड़ी विंडो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। उसी तरह से अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक ब्लॉक हमें बॉक्स लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक्स देख लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितना यहाँ पर हाइट है बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.6 का हाइट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं 0.6 के लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक बॉक्स बना सकता हूँ, बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा इस तरह से, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ 0.6 पे प्रेस पुल कर देंगे, यहाँ पर 0.6 एंटर। देखिए नीचे की तरफ बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है 0.6। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर से आपको अगर कितना है यहाँ पर जो ऊपर का जो हाइट है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डी आई फॉर डिस्टेंस, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो 1.2 की हाइट यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ 1.2 के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर बॉक्स लेंगे, यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नीचे की तरफ 1.2 एंटर। तो इस तरह से 1.2 पे आप यहाँ पर बॉक्स बना सकते हो। इसी तरह से और भी बॉक्सेस यहाँ पर बनाते हैं, चलिए यहाँ पर मैं बॉक्स ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक, नीचे की तरफ 1.2 एंटर। तो आप अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग हाइट ले सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें पैक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अगर आप बालकनी में देखते हो तो ऊपर से यहाँ पर 0.6 की बीम यहाँ पर आई हुई है, तो यहाँ पर बीम टाइप में मुझे दिखाना है, तो यहाँ पर मैं 0.6 हाइट का यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो बॉक्स लेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पर मैं अंदाजे क्लिक कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, और नीचे की तरफ 0.6 एंटर। अगर आपको 0.6 देने की वजह से ऊपर की तरफ बॉक्स आ रहा है तो आप उसे मूव कर सकते हो, या फिर आप -0.6 यहाँ पर डाल सकते हो तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसे भी हम लोग यूनियन कर देते हैं जिससे सारे बॉक्स एक हो जाएंगे। यहाँ पर यूनियन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सारे ऑप्शन यहाँ पर सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सारे बॉक्सेस यहाँ पर यूनियन हो चुके हैं, तो इसे भी हम लोग मूव करके ऊपर रख देंगे, सिलेक्ट करेंगे सी ओ फॉर कॉपी एंटर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पर हम लोग इसे इस पॉइंट पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ रख दिया है और यहाँ पर हमारी बालकनी क्रिएट होगी। चलिए हम यहाँ पर अपने विंडो फ्रेम्स को यहाँ पर रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस भी अवेलेबल है तो उन्हें भी हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसके एलिवेशन का इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ के फ्रेम्स बनाने के लिए, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का यहाँ पर प्रोजेक्शन निकला हुआ है, और यहाँ पर एक इस तरह का डिज़ाइन है और एक कॉलम भी है यहाँ पर। तो इन्हीं सबको बनाने के लिए, इन फ्रेम्स को बनाने के लिए, जो फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं विंडो के, हम इस एलिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एलिवेशन में अगर कोई डिज़ाइन बनाते हो तो इजीली उसे हम लोग अपने 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर अपने एलिवेशन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की एलिवेशन, इस एलिवेशन को हम लोग कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद आप चाहो तो इसे प्रेस पुल डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा कि सिंपल में यहाँ पर एक विंडो अवेलेबल है सिंपल डिज़ाइन में, तो कर लेता हूँ मैं प्रेस पुल लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रेम यहाँ पर कैप्चर हो रही है।
तो यहाँ पर एक छोटी सी थिकनेस पे हम लोग इसे प्रेस पुल कर लेंगे 0.03 पे। तो 0.03 मैंने यहाँ पर इसकी प्रेस पुल हाइट डाल दी है, और आप चाहो तो यहाँ पर ये जो हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्लास को भी प्रेस पुल कर पाएंगे। प्रेस पुल कर देते हैं 0.01 पे इस तरह से, इसे भी स्पेस, इसे भी स्पेस, मतलब सेम हाइट पे प्रेस पुल हो जाएगा स्पेस प्रेस करने पर। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो विंडो क्रिएट हुई है यहाँ पर वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल है, जबकि हमें जहाँ पर यहाँ पर फिट करनी है वो फेस यहाँ पर वर्टिकल है। तो अगर हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं 1, 2, 3 और ये फ्रेम को, और अगर इसे कॉपी करते हैं तो हम इसे कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो है वो यहाँ पर वर्टिकल विंडो हमें चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि इस विंडो को रोटेट करना होगा। तो मैं इन चारों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ रोटेट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें रोटेट ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 3D रोटेट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर मूव गिज़्मो पे यहाँ पर रोटेट गिज़्मो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो रोटेट करने के लिए इसे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जिससे आपको इसमें 3 सर्कल नज़र आएंगे 3 डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। तो हमें जिस डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है उस सर्कल पे क्लिक करके उसे रोटेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन सर्कल को अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ग्रीन लाइन दिखेगी। क्लिक करने के बाद देखिए अगर मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ तो ये फ्रीली इस तरह से सर्कल डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन करते हो तो ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री में ये रोटेट होगा। तो इस तरह से आपको माउस को साइड में रोटेट करना है। इसे रोटेट करने के लिए फिलहाल हमें जो इसका रोटेशन चाहिए वो रेड एक्सिस में चाहिए, जो कि ये डायरेक्शन है। क्लिक करके देखिए आप इसे वर्टिकल कर पाएंगे। वर्टिकल होने के बाद इसके ऊपर आप यहाँ पर ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट वर्टिकल आ जाएगा। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ चारों ऑब्जेक्ट्स को, इसे कॉपी करते हैं या फिर मूव कर सकते हो M फॉर मूव, M एंटर, और यहाँ पर आपको लेना क्या है तो सेंटर ले लेना है इस फ्रेम का सेंटर, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट लेने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इस वॉल के मिड पॉइंट पे, सॉरी थोड़ा सा जूम करना है यहाँ पर, और ऑर्बिट करके यहाँ पर फिट कर देना है क्लिक करके। तो देखिए ऑर्बिट करके यहाँ पर अच्छे से आपको फिट कर देना है इसे, तो सेंटर पे फिट हो गया। इसी तरह से इस विंडो को करना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस पुल ले लेता हूँ, इस विंडो के लिए भी प्रेस पुल करते हैं इसे 0.03 पे, और यहाँ पर इस जो ग्लास है उसे हम लोग 0.01 पे प्रेस पुल कर देंगे, स्पेस स्पेस और स्पेस। इस तरह से आप ग्लास बना सकते हो। आप चाहो तो इन सबको यहाँ पर लेयर्स में बना सकते हो ग्लास के लेयर में, जिससे आपको इसे मटेरियल करने भी आसानी होगी। तो मैं फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ लेयर्स का, तो मैं इसे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे रोटेट कर देता हूँ। रेड एक्सिस पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ क्लिक करना है, और यहाँ पर M फॉर मूव, M एंटर, मिड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर 3D का। अगर आपको मिड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर ऑफ है, तो आप इसे ऑन कर लीजिए। यहाँ पर एरो पे क्लिक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑन होने चाहिए, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, तो क्लिक करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सारे पॉइंट्स को ऑन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसे मूव करके मैं अपने इस विंडो पे फिट कर देता हूँ ठीक उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से हमने पिक किया है, तो सेंटर में फिट हो जाएगा, देख सकते हो। साइड के भी विंडोज़ हम लोग लगा लेंगे, तो साइड के विंडोज़ को लगाने के लिए मैं साइड का यहाँ पर व्यू कॉपी कर लेता हूँ, जो कि ये वाला व्यू है, सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, CO एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे कॉपी करके रख लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसे विंडो को प्रेस पुल कर लेता हूँ, प्रेस पुल लेंगे और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं तो फ्रेम्स को भी आप प्रेस पुल कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर डबल फ्रेम अवेलेबल है, दो टाइप के फ्रेम, तो आप इसे दो बार यहाँ पर प्रेस पुल कर लीजिए। तो आपको स्लाइडिंग डोर एक विंडो बना के दिखाता हूँ मैं, समझे। इस विंडो का अगर मैं ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ 0.05 और अंदर के जो फ्रेम्स हैं यहाँ पर उसे मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ 0.02 पे, और यहाँ पर भी इस फ्रेम को भी 0.02 पे, 0.02 एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेम आ चुका है,
तो यहाँ पर मैं इसके ग्लास को भी प्रेस पुल कर लेता हूँ 0.01, यहाँ पर भी 0.01। और इसे क्या करेंगे, इस ग्लास और इस पैनल को हम लोग थोड़ा सा मूव कर देंगे, एम फॉर मूव, एम एंटर, और मूव करके इसे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी नीचे के पॉइंट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है, क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि इसके ऊपर फिट हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्लाइडिंग लुक मिलने लगेगा। और अगर आप चाहो तो इसे ओपन भी दिखा सकते हो अपने स्लाइडिंग को। तो यहाँ पर मैं गिज़मो चेंज कर देता हूँ मूव का गिज़मो, तो यहाँ पर मूव के गिज़मो से आप इसे मूव करके हाफ ओपन इस तरह से दिखा सकते हो, हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट। और यहाँ पर आप ग्रुप भी कर सकते हो इनका, तो जी फॉर ग्रुप है, ग्रुप करने के लिए जी एंटर। तो देखिए यहाँ पर एक विंडो का पूरा एक ग्रुप तैयार हो गया, जिससे हमें इसे सिलेक्शन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप सारे विंडोज़ को ग्रुप भी कर सकते हो, सिलेक्ट करेंगे और सी ओ फॉर कॉपी, सॉरी रोटेट करेंगे पहले इसे, रोटेट, यहाँ से मैं रोटेट कर लेता हूँ इसे, रेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे जिससे ये वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल तो बन गया है, मगर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसकी इस वॉल की ओरिएंटेशन अलग है, तो हमें इसे वर्टिकल करने के बाद एक और बार रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ब्लू एक्सिस लेना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्लू एक्सिस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने माउस को इस डायरेक्शन में लाना है, नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। तो इस ओरिएंटेशन में आपको लाना पड़ेगा अपने विंडो को फिट करने के लिए। आप सिलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, सी ओ एंटर, मिड पॉइंट देंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट पे क्लिक, और यहाँ पर हम लोग इस वॉल के मिड पॉइंट पे रख देंगे, मिड पॉइंट पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, इसी विंडो को आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो साइज़ है वो यहाँ पर ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर सेम विंडो में कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट सी ओ एंटर, और यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका, मिड पॉइंट पे क्लिक, और यहाँ पर मैं इससे मिड पॉइंट दे देता हूँ। तो ये विंडो थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो मैं इसे प्रेस पुल करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इससे प्रेस पुल करेंगे वॉल को, तो यहाँ पर ये वॉल प्रेस पुल होके यहाँ पर एक्स्ट्रा गैप हो गया है। अब फिर से हम लोग इसको प्रेस पुल करके यहाँ तक ले आएंगे, इस पॉइंट तक। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक पॉइंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने इस विंडो की साइज़ को चेंज कर दिया है, इसी तरह इस विंडो को भी कर देंगे प्रेस पुल करके साइज़ चेंज। प्रेस पुल करेंगे और इसको हम लोग इस रेफरेंस का इस्तेमाल करके प्रेस पुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें साइज़ तो पता नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर नीचे पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जिससे ये सेम इसी साइज़ का हो जाएगा। तो इसी विंडो को आप ऊपर भी यूज़ कर पाएंगे, सी ओ फॉर कॉपी मिड पॉइंट, और यहाँ पर मैं फिट कर पाऊँगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी हम लोग इसे फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर जो विंडो है वो छोटे साइज़ की है, तो इसे हम लोग बाद में फिट करते हैं। बाकी के विंडो हमारे फिट हो चुके हैं, तीन विंडोज़ यहाँ पर, आगे के विंडोज़ भी हम लोग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के विंडोज़ को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसे, सॉरी ये व्यू नहीं, इस व्यू को कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइड पे। अब मैं इसे फिर से प्रेस पुल करने जा रहा हूँ इस बड़े से विंडो को, तो यहाँ पर ठीक से कैप्चर करना है आपको, कॉर्नर पे जाके कैप्चर कीजिए, जिससे यहाँ पर आप पिक बॉक्स अच्छे से कैप्चर हो पाएगा। क्लिक करना है 0.03 एंटर, और यहाँ पर इन विंडोज़ को 0.01 एंटर, स्पेस स्पेस स्पेस, तो इस तरह से कर दीजिए। उसी तरह से आप यहाँ पर ज़ीरो, सॉरी यहाँ पर कैप्चर नहीं हुआ ठीक से कैप्चर करना है ऊपर की, तो 0.03 एंटर। सिंपल विंडोज़ है, आप चाहो तो यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो, जैसा कि मैंने बताया है अपने पिछले विंडो में, तो उस तरह से आप कर सकते हो इसमें स्लाइडिंग टाइप में, मगर मैं फिलहाल सिंपल विंडो रखने वाला हूँ, क्योंकि 3D में ज़्यादा ये फ्रेम नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर मैं 0.01 एंटर, स्पेस स्पेस, इन दोनों विंडोज़ को, और इसे भी हम लोग प्रेस पुल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 0.03 एंटर, और इसे 0.01 एंटर, स्पेस स्पेस, और यहाँ पर इसे भी हम लोग प्रेस पुल कर सकते हैं, बाद में प्रेस पुल करेंगे इस पोर्शन को। फिलहाल हम इन तीनों विंडोज़ को रोटेट करके इन्हें वर्टिकल कर लेते हैं, जिससे की वजह से हम इसे फिट कर पाएंगे। सभी को एक साथ मैं यहाँ पर रोटेट करने वाला हूँ,
जिसे हमें बार बार रोटेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया अच्छे से। अब मैं रेड एक्सिस लूंगा, क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करना है। ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, यहां पर याद रखिए ऑर्थो मोड, जिससे 90 डिग्री में एक्यूरेट रोटेट होगा। आपको याद रखना है कि ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है यहां पर रोटेट करते वक्त। यहां पर ऊपर की तरफ ब्लैंक स्पेस में क्लिक कीजिए। अगर ये गलत रोटेट हो जाता है तो आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर विंडो को वापस से प्रेस पुल करना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से रोटेट कीजिए। इसे सिलेक्ट करके आप इसे एक जी फॉर ग्रुप कर सकते हो, जी एंटर, इसका एक अलग ग्रुप, इसका एक अलग ग्रुप, जी एंटर, और इसका भी एक अलग ग्रुप, यहाँ पर जी एंटर। तो यहाँ पर मैं अब इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मूव कर लेंगे, एम फॉर मूव, एंटर, मिड पॉइंट ले लेंगे इस फ्रेम का मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट को। अब यहाँ पर सेकंड विंडो, यहाँ पर इस विंडो को सिलेक्ट, सी ओ फॉर कॉपी, एंटर। अब मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को डाल देता हूँ क्लिक करके, और इसे मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे रख देता हूँ मिड पॉइंट पे। अब यहाँ पर थर्ड विंडो है, यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सी ओ एंटर, मिड पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसे हम लोग यहाँ पर मिड पे रख देंगे। यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर प्रेस पुल कर लेता हूँ, इन्हें मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये वाला प्रेस पुल करेंगे, ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है इसे 0.02 पे, और इसे भी हम लोग 0.02 पे प्रेस पुल करेंगे डोर के फ्रेम को। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, या फिर मूव कर सकते हो, सी सॉरी मूव करेंगे, एम फॉर मूव, एम एंटर, सॉरी इन्हें रोटेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इन दोनों को रोटेट सिलेक्ट, रोटेट, रेड एक्सिस पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक, ये रोटेट हो गया है। अब मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे मूव कर लूंगा यहाँ पर, एम एंटर, मिड पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट से नहीं लेना है, इस विंडो को कॉपी मूव करना है यहाँ पर, एम फॉर मूव, और यहाँ पर आपको इसके इस पॉइंट से लेना है। देखिए यहाँ पर अंदर के इस पॉइंट, अंदर के पॉइंट से मैं यहाँ पर ये वाला अंदर वाला पॉइंट ले लेता हूँ, और इससे ठीक हमारे विंडो के ऊपर फिट करने वाले हैं इसे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ हमारे विंडो के ऊपर साइड में, सेंटर पे नहीं लगाना है। उसी तरह से डोर को भी ऊपर लगा देना है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एम फॉर मूव, एम एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अंदर साइड के पॉइंट पे, और यहाँ पर रख देंगे डोर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर विंडोज़ और डोर के यहाँ पर हमने फ्रेम्स बना लिए हैं। अब साइड के विंडोज़ बनाते हैं, तो साइड के विंडो को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, उसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर साइड व्यू हमें नज़र आ रहा है, तो ये वाला व्यू, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर, क्लिक, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ पर प्रेस पुल कर लेता हूँ, ये वाला छोटा सा विंडो प्रेस पुल, इसे भी हम लोग स्लाइडिंग टाइप में दिखाएंगे। तो इसे हम लोग 0.05, सॉरी 0.05 एंटर, इसे करेंगे 0.02। आप कोई भी अलग साइज ले सकते हो आपके हिसाब से, 0.02, यहाँ पर ग्लास 0.01 एंटर, और ये ग्लास जो है 0.01 एंटर, यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसे ग्रुप कर सकता हूँ, या फिर इन्हें आप सबसे पहले मूव कर लीजिए, एम फॉर मूव, स्लाइडिंग दिखाने के लिए, एम एंटर, ये जो ट्रांसपेरेंट पॉइंट आपको नीचे का नजर आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ऊपर रख दीजिए। आप चाहो तो यहाँ से वायर फ्रेम ले सकते हो, वायर फ्रेम से आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, यहाँ पर रियलिस्टिक से आपको रियल व्यू नजर आएगा। ये देखिए रियलिस्टिक, रियल व्यू। मैं फिलहाल यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे में काम कर रहा हूँ, तो ग्रे कलर का हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रांसपेरेंट सब कुछ नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वायर फ्रेम पे या फिर रियलिस्टिक पे, शेड्स ऑफ ग्रे पे, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रुप कर लेता हूँ इन सबका, तो सबको एक एक क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, जी एंटर करेंगे, जी फॉर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इसे रोटेट करेंगे सबसे पहले। रोटेट का गिज़्मो है रेड एक्सिस, और ऊपर की तरफ क्लिक, देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसे मूव करेंगे, एम फॉर मूव, मिड पॉइंट पे, सॉरी हमें जो यहाँ पर जो वॉल है वो है 90 डिग्री फ्लिप, है ना, मतलब दूसरी साइड है। तो मैं यहाँ पर इसे एक और बार ऑर्बिट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर रोटेट ऑप्शन है ब्लू एक्सिस, और यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक, तो इस ओरिएंटेशन में लाना होगा आपको अपने विंडो को। उसके बाद आप यहाँ पर मूव कर सकते हो मिड पॉइंट से, और यहाँ पर आप फिट कर सकते हो इसके मिड पॉइंट पे। तो देखिए हमने दोनों विंडोज लगा लिए हैं यहाँ पर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, अगर आप 3D में देखते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है और ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसे भी हम लोग बना लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के एलिवेशन को इस्तेमाल करके। तो चलिए मैं फर्स्ट फ्लोर के एलिवेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इस व्यू को सी ओ एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके रख देंगे। यहाँ पर मैं इन दोनों को प्रेस पुल करता हूँ, देखिए फर्स्ट इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसे प्रेस पुल करेंगे। इस बॉक्स को आपको 0.5 पे प्रेस पुल करना है, याद रखिए 0.5 एंटर, देखिए प्रेस पुल हो चुका है। अब इसे मैं रोटेट करता हूँ और इसे मैं फिट करता हूँ, तो इसे मैं क्लिक करेंगे, रोटेट आ रहा है, रेड एक्सिस पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक। अब मैं इसे सेलेक्ट करके मूव करता हूँ, तो मूव करने के लिए आपको कोई तो एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एम एंटर करता हूँ और बेस पॉइंट देता हूँ इस पॉइंट को, देख सकते हो आप, तो आपको सही से नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। इस पॉइंट को देना है, क्लिक करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर इस विंडो के कॉर्नर पे रख देना है। तो देखिए मैंने इस कॉर्नर पे फिट कर दिया है, हमारा एलिवेशन का एक प्रोजेक्शन यहाँ पर रेडी है। तो इसी तरह से 2D में स्केच बना के आप उसे 3D में कन्वर्ट कीजिए और अपने प्लान में फिट कर दीजिए, या फिर बॉक्स चाहिए तो बॉक्स भी बना सकते हो, इस तरह से बॉक्स वगैरह डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2D का इस्तेमाल किया है अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, तो मैं इसे अब प्रेस पुल कर देता हूँ, नीचे की तरफ प्रेस पुल करता हूँ इसे 1 मीटर पर नीचे की तरफ, 1 एंटर, और इसे इस बॉक्स को भी 1 एंटर, और यहाँ पर भी इसे भी नीचे की तरफ 1 एंटर। देख सकते हो कि थोड़ा सा इनमें गैप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, तो जैसा कि ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से नीचे से पूरा तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्रेस पुल ले लेता हूँ और ये जो फेस है इसे प्रेस पुल करेंगे इस पॉइंट तक, उसके बाद इस फेस को प्रेस पुल करेंगे इस पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम रेडी है, अब इसे हम लोग यूनियन कर देते हैं, इसे यूनियन, तो यूनियन और सिलेक्ट और एंटर, याद रखिए यूनियन फर्स्ट लेना है उसके बाद सेलेक्ट करना है, फर्स्ट अगर आप सेलेक्ट करेंगे फिर यूनियन लेंगे तो नहीं होगा, पहले यूनियन उसके बाद सिलेक्ट एंटर। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस स्केच को इसके साथ रोटेट कर देंगे, तो यहां पर मैं इसे रोटेट कर देता हूं रेड एक्सिस पे वर्टिकल। तो स्केच को मैंने क्यों रोटेट किया, क्योंकि मैं इसे सिलेक्ट करके अभी मूव करने वाला हूं एम एंटर, और यहाँ पर बेस पॉइंट देने वाला हूँ इस पॉइंट को, ताकि हम लोग इसे इजीली मूव कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं बेस पॉइंट दूंगा और इस कॉलम को इस रेफरेंस पॉइंट के जरिए यहाँ पर फिट कर दूंगा, जिसकी वजह से ये इसके एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो ये एक्यूरेट इसके पोजिशन पर यहाँ पर फिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मूव का गिज्मो ले लेता हूँ, मूव के गिज्मो पर क्लिक और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देते हैं इस एक्सिस का इस्तेमाल करके 0.2 एंटर। तो यहाँ पर हमने इस कॉलम को 0.2 पे यहाँ पर मूव कर दिया है, जिससे ये वॉल से थोड़ा बाहर आ जाएगा, जैसा कि हम अपने 3D में देख सकते हैं कि ये हमारे वॉल से थोड़ा बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने इसे भी बाहर कर दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम नहीं बनाया था, अब यहाँ पर एक कॉलम, लास्ट कॉलम भी फिट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर इस स्लैब को भी फिट कर देते हैं, तो मैं इसे बॉक्स का इस्तेमाल करके बनाऊंगा, बॉक्स और यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ तक एक दूसरा क्लिक और ऊपर की तरफ 0.15, सॉरी यहाँ पर नहीं करेंगे, बॉक्स लेंगे इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट तक क्लिक, ऊपर की तरफ 0.15 एंटर, और फिर से बॉक्स लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ तक क्लिक करेंगे, इस पॉइंट तक ऊपर की तरफ 0.15। आप चाहो तो इस शेप को बनाने के बाद उसे प्रेस पुल कर सकते हो, 2D स्केच भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन करेंगे इन दोनों को, सिलेक्ट एंटर, तो ये स्लैब यूनियन हो जाएगा, तो हमने यूनियन भी कर लिया है इस स्लैब को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड फ्लोर को हम लोग बनाते हैं। तो थर्ड फ्लोर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पोर्च टाइप में अवेलेबल है, हेडरूम है, सॉरी हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ एक हेडरूम अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर हेडरूम बनाएंगे। तो हेडरूम बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, पहले तो हम लोग इसके पीछे की तरफ का जो हिस्सा है वो बना लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप 3D में जो पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो हाइट है इसे ले लेते हैं इस बॉक्स को, और उसके बाद इस बॉक्स को बनाएंगे। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए तो एक रेफरेंस ले लूँगा यहाँ पर इस विंडो का,
पॉइंट को, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है बालकनी का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ले लेंगे और उसके बाद यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं, बॉक्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ऊपर की तरफ हम लोग बॉक्स की हाइट रखेंगे 1.5 मीटर। तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ का हिस्सा जो है एक्स्ट्रा ऊपर आ गया है, जिसमें हम लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बाद में हम लोग इसमें स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हेडरूम बनाते हैं। अब हेडरूम बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक बॉक्स ले लूँगा और यहाँ पर सिंपल अंदाजे एक हेडरूम बना लूँगा। यहाँ पर मैं मेजरमेंट नहीं डालूंगा, यहाँ पर एक हेडरूम दिखा देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इतना बड़ा हम लोग हेडरूम दिखाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप चाहो तो ऑटोकैड 3D में अंदाजे भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं 3 मीटर की हेडरूम दिखाने वाला हूँ, 3 एंटर। थोड़ा सा नीचे से जब हम लोग इसके फोटो लेंगे, रेंडर निकालेंगे, तो नीचे से नज़र आना चाहिए। तो मैं इसे 3 मीटर का ले लेता हूँ। आप चाहो तो 2.A4 का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हेडरूम मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इसके ऊपर का हम लोग रूफ बनाएंगे, तो देख सकते हो जो रूफ हमारा है वो यहाँ पर पिरामिड टाइप का है। तो पिरामिड का इस्तेमाल करके आप इसकी रूफ को बना पाएंगे। ये देखिए पिरामिड टाइप का यहाँ पर रूफ है, तो मैं यहाँ पर पिरामिड का इस्तेमाल करता हूँ अपने रूफ को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रूफ, सॉरी पिरामिड। तो पिरामिड यहाँ पर देखिए पिरामिड अवेलेबल है। पिरामिड लेने के बाद याद रखिए कि यहाँ पर आपको डायनेमिक UCS को ऑन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी फेस पे पिरामिड बना पाएंगे। तो यहाँ पर डायनेमिक UCS से क्या होता है कि आप किसी भी फेस पे कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस डायनेमिक UCS को ऑन रखता हूँ, अगर आपके कंप्यूटर में नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे, और यहाँ पर डायनेमिक UCS को ऑन कर दीजिए, जिससे वो आपको नीचे स्टेटस बार पे नज़र आएगा। इसे ऑन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप चाहो तो सर्कल, सी फॉर सर्कल, सी एंटर, इस फेस पे जाओगे तो इस फेस पे ड्राइंग बना पाओगे। अगर सर्कल लेके इस फेस पे जाते हो तो इस फेस पे बना पाओगे। रेक्टेंगल लेते हो तो आप ड्रॉ कर पाएंगे किसी भी फेस पे। ऊपर की फेस पे जाते हो तो ऊपर के फेस पे ड्राइंग कर पाएंगे। अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो आप ये नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं सर्कल लेता हूँ, अब ऑफ है हमारा डायनेमिक UCS। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस फेस पे कोई भी सर्कल नज़र नहीं आ रहा। जो कुछ भी ड्रॉ होगा वो हमारे प्लेन पे ड्रॉ होगा। आप देख सकते हो ये हमारा जो ग्रिड है वो हमारा प्लेन है, तो प्लेन पे सब कुछ ड्रॉ होगा। आप किसी भी फेस पे काम नहीं कर पाएंगे अगर आप डायनेमिक UCS को ऑफ रखते हो तो। तो इसे हम लोग जनरली ऑन ही रखते हैं 3D में काम करने के लिए, 2D में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं इसे मैं जल्दी से डिलीट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर का पिरामिड बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पिरामिड। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है, इसके सेंटर पे। मैं अंदाजे यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं इसकी साइज़ को डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसकी साइज़ इतनी बड़ी रख देता हूँ और फिर ऊपर की तरफ हाइट देंगे, थोड़ा सा ऑर्बिट करके ऊपर की तरफ हाइट। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1 मीटर हाइट, 1 एंटर। तो देख सकते हो कि 1 मीटर का यहाँ पर पिरामिड रेडी हो चुका है। और इस पिरामिड को थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। मैं यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ 0.3 से मूव कर देता हूँ, गिज़्मो का इस्तेमाल करके 0.3 एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो चुका है। और भी आप यहाँ पर बना सकते हो, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विंडो वगैरह बना सकते हो। देखिए यहाँ पर विंडो भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो यहाँ पर विंडो बना सकते हो। चलिए विंडो बना के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको यल शेप का विंडो बनाना है। अगर आप 3D में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक विंडो अवेलेबल है हेडरूम में, यल शेप का है वो। तो मैं यहाँ पर यल शेप का विंडो कैसे बनाता हूँ, देखिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बॉक्स, बॉक्स लेते हैं। उसके बाद मैं अंदाजे यहाँ पर क्लिक करूँगा इस पॉइंट पर, और यहाँ से इस पॉइंट तक मैं लेके आऊँगा इस रेक्टेंगल को। क्लिक करेंगे यहाँ पर और अंदर की तरफ जहाँ तक आपको विंडो चाहिए वहाँ तक मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अंदाजे मैंने एक बॉक्स बना लिया है अपने एक दूसरे बॉक्स के अंदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस बॉक्स के मटेरियल से ये जो बॉक्स है इसका मटेरियल रिमूव कर देंगे। तो हमको रिमूव करने के लिए करना क्या है कि यहाँ पर आपको सॉलिड सब्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना है। यूनियन से जॉइंट होता है, सब्सट्रैक्ट से हम लोग एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड का मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हो
कि फर्स्ट वॉल के मटेरियल से उसने सेकंड मटेरियल को रिमूव कर दिया है, जिससे डोर की ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट ले लेता हूँ, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं एंटर, और फिर मैं सेकंड बॉक्स पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग टाइप में क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर एक विंडो को बना सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल विंडो बनाऊँगा पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके, PL फॉर पॉलीलाइन, एंटर। डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक पॉलीलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी, देखिए पॉलीलाइन सिलेक्ट नहीं होगा। क्रिएट तो हो चुका है यहाँ पर, मगर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो उसका भी कलर वाइट है। तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्शन साइकिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, सिलेक्शन साइकिलिंग। तो ये बटन आपको नजर नहीं आ रहा है तो कस्टमाइजेशन में जाके यहाँ पर सिलेक्शन साइकिलिंग को आप ऑन कर सकते हो। देखिए सिलेक्शन साइकिलिंग यहाँ पर ऑन कर लीजिए, जिसे ये ऑन हो जाएगा, क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सट्रूड लूँगा, एक्सट्रूड से इसे हम लोग एक सरफेस एक्सट्रूड होगा इसका, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारा दूसरा 3D का वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ये सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया हुआ है। तो ये सारे कमांड्स मैंने अपने पहले वीडियो में किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये विंडो हमारा तैयार हो चुका है, बाद में हम इसे मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे जो हमें नज़र आ रहा है, सॉरी इसमें जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रही है ये वाली, इसे बना लेते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस हैं यहाँ पर, चार बॉक्सेस लगाए हुए हैं, तो चार बॉक्सेस को लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं किसी भी सरफेस पे या फिर ग्राउंड पे भी एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, फिलहाल यहीं पर कर लेता हूँ मैं। क्लिक करेंगे इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और पीछे की या आगे की तरफ यहाँ पर ले लेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर डायमेंशन डाल देता हूँ 0.5, एंटर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा इस सरफेस पे। अब हम लोग इसे मूव करके इसे पोजीशन कर देंगे। फ्रंट पे जाता हूँ मैं यहाँ पर, फ्रंट से क्या होगा कि हमें अच्छे से फ्रंट व्यू इसका नज़र आएगा, जिससे हम लोग इसे मूव कर पाएंगे। क्लिक करेंगे इसे इस डायरेक्शन में, पहले मूव करेंगे उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, और क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसे कॉपी कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर CO एंटर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, बाजू में क्लिक, फिर से एक क्लिक, इस तरह से आप चार बॉक्सेस कॉपी कर लीजिए अंदाजे क्लिक करके, और उसके बाद आप इन्हें थोड़ा पोजीशन दे सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा गैप में रख सकते हो इन्हें, सॉरी सिंगल को क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़े से गैप में इसको और थोड़े से गैप में इसको रख देना है इस तरह से। इसे आप मूव करके चारों को सेंटर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर सेंटर पे रख सकते हो अंदाजे, और इन्हें आप पीछे की तरफ मूव कर सकते हो, ज़्यादा बाहर नहीं लाना है इसे, पीछे की तरफ मूव कर देंगे अंदाजे। मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ इन्हें मूव कर दिया है, हाफ बाहर की तरफ। तो जो व्यू आपको नज़र आने वाला है उतना ही काम करना है 3D में, पीछे साइड आपको ज़्यादा काम नहीं करना है क्योंकि वो व्यू नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक विंडो रह गई है, तो इसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो अपने घर में, इस विंडो को कैसे बनाना है, साइड में बना के यहाँ पर मूव कर सकते हो, मैं फ़िलहाल इसमें नहीं बनाने वाला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर के रेलिंग्स को और स्विमिंग पूल को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपने यहाँ पर रेलिंग को, तो देख सकते हो आप इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टील के भी रेलिंग अवेलेबल हैं और यहाँ पर ब्रिक वर्क के भी रेलिंग अवेलेबल है। तो पैरापेट प्लस यहाँ पर आपको स्टील की रेलिंग प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पॉलीलाइन ले लेता हूँ सबसे पहले, PL फॉर पॉलीलाइन, एंटर। अब इस फेस को हाईलाइट करेंगे, जो कि डायनामिक UCS यहाँ पर ऑन होना चाहिए, याद रखिए। यहाँ पर मैं क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ पॉलीलाइन से, यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ पर एक क्लिक, और अंदर की तरफ इस पॉइंट तक जाना है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब अंदर की तरफ मैं आऊँगा यहाँ पर 0.3 पे, 0.3 ले लेता हूँ मैं पैरापेट, याल सॉरी यहाँ पर 0.23 ले लेते हैं अंदर की तरफ, एंटर। और फिर आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो,
या फिर ऑफसेट भी कर सकते हो। तो इस तरह से क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हो। अंदाजे ड्रॉ करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, या फिर ऑफसेट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इसको ऑफसेट। अब मैं इसे प्रेस पुल कर देता हूँ, प्रेस पुल, और इसे इसको कैप्चर करके ऊपर की तरफ हम लोग इसकी रेलिंग को प्रोवाइड करेंगे। इसे मैं 0.6 ले लेता हूँ, 0.6 एंटर। तो वॉल 0.6 पे होगी और उसके ऊपर जो हमारी स्टील की रेलिंग होगी उसकी हाइट 0.3 होगी, तो टोटल हो जाएगा 0.9। तो बाद में हम लोग वो भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब हमें यहाँ पर स्विमिंग पूल प्रोवाइड करना है, तो स्विमिंग पूल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल का एक शेप, तो स्विमिंग पूल के शेप को बनाने के लिए मैं इस जो ये जो हमें रूफ नज़र आ रही है इसे हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये टेरेस का सरफेस नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट में हाइड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्पररीली हाइड कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके, राइट क्लिक, आइसोलेट और हाइड ऑब्जेक्ट, तो हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टेरेस पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पॉलीलाइन से यहाँ पर स्विमिंग पूल का शेप बना लेता हूँ, PL फॉर पॉलीलाइन, एंटर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर देंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पर मैं अंदाजे एक पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इस तरह से कुछ। तो आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो अपने स्विमिंग पूल का शेप, इस कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग एंट्री देंगे स्विमिंग पूल के लिए। अब मैं यहाँ पर ट्रैक करूँगा इस पॉइंट को। अगर आपको ऑटोकैड 2D सीखना है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, 2D पर भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ और बाद में इसे फिलेट अप्लाई कर दूंगा। F Enter, इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, F Enter करके फिलेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल का शेप रेडी हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर दीजिए जिससे हमें सारे पॉइंट्स हमारे नजर आएंगे। तो ये ऑन कर लेता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं इसे कॉपी कर लूँगा, CO Enter। याद रखिए कॉपी करना है, मूव नहीं करना है, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। CO Enter क्लिक करेंगे और कॉपी करके साइड में रख लेंगे यहाँ पर। तो हमें तो ये इसका बाउंड्री स्केच मिल गया है हमारे स्विमिंग पूल का। अब हम लोग इसे थोड़ा सा शेप में करेंगे, थोड़ा सा इसे राउंड करेंगे साइड से। तो राउंड करने के लिए हमें इसे फिलेट अप्लाई करना होगा एक रेडियस का इस्तेमाल करके। तो फिलेट, F Enter, F फॉर फिलेट, एंटर। उसके बाद रेडियस ले लेंगे यहाँ पर। रेडियस को सेट करने के लिए F Enter रेडियस पे क्लिक, रेडियस दे देंगे यहाँ पर 1 मीटर, 1 एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पर इन दोनों लाइंस पे क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पर 1 का फिलेट आ जाएगा। स्पेस करके रिपीट करेंगे, यहाँ पर भी 1 मीटर का यहाँ पर फिलेट, यहाँ पर 1 मीटर का फिलेट फिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर F Enter करता हूँ और रेडियस को चेंज कर देते हैं 0.5 मीटर पे, या फिर 0.3 पे कर लेते हैं, 0.3 एंटर। तो यहाँ पर मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ, स्पेस, फिर इन दोनों पे क्लिक। तो यहाँ पर डबल फिलेट करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं 1 मीटर का कर दूंगा, F Enter, रेडियस पे क्लिक, 1 एंटर, 1 रेडियस, और यहाँ पर 1 मीटर रेडियस का यहाँ पर फिलेट कर देंगे। फिर से F Enter, फिर यहाँ पर रेडियस पे क्लिक कर सकते हो या फिर R Enter भी कर सकते हो, रेडियस का शॉर्टकट R Enter। यहाँ पर मैं 0.5 एंटर कर देता हूँ, इन दोनों पे क्लिक करेंगे, 0.5 का अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, कम कर देंगे फिलेट की रेडियस, 0.3 कर देते हैं, एंटर। यहाँ पर 0.3, तो कॉर्नर ज़्यादातर नहीं रखने हैं अपने स्विमिंग पूल में। तो यहाँ पर मैं फिलेट करके इसे राउंड कर दिया है। तो ये शेप होगा हमारे स्विमिंग पूल का। अब मैं इसे ऑफसेट कर लेता हूँ, O फॉर ऑफसेट, 0.15 का ऑफसेट हम लोग इसे बाहर की तरफ कर लेते हैं। तो ये ऑफसेट हो गया बाहर की तरफ 0.15 का। तो बाउंड्री तो हमारी रेडी हो चुकी है हमारे स्विमिंग पूल की। चलिए अब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं या फिर प्रेस पुल करते हैं। इसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बाउंड्री की ज़रूरत बाद में पड़ने वाली है हमें। तो इसे मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो बाहर का हमें नज़र आ रहा है, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मैं 1.3 ले सकते हो, 1.3 एंटर। तो 1.3 ले लिया इसे, और फिर प्रेस पुल लेता हूँ यहाँ पर, प्रेस पुल, और ये जो रीजन है इसे प्रेस पुल करेंगे इस रीजन को नीचे की तरफ। यहाँ पर मैं 1.1 पे प्रेस पुल करूँगा, एंटर, जिससे हमारा यहाँ पर हॉलो पोर्शन क्रिएट हो जाएगा हमारे स्विमिंग पूल के लिए। अब हम लोग इसके वाटर को बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसे अलग कर लेता हूँ मैं मूव करके, ये आउटर पोर्शन अलग और इनर पोर्शन अलग। आउटर पोर्शन को आपको यहाँ पर एक्सट्रूड कर देना है नीचे की तरफ,
एक्सट्रूड करना है यहाँ पर आपको 1.4 पे, जो कि हमारी सॉरी 1.3 पे, जो कि हमारे स्विमिंग पूल की डेप्थ है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको इसे प्रेस पुल कर लेना है, सॉरी एक्सट्रूड कर लेना है। सिलेक्ट करके एक्सट्रूड पे क्लिक नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0.9 मीटर की, यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर एक हॉलो पोर्शन क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से हम अपने टैंक को यहाँ पर फिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस पोर्शन को इस्तेमाल करता हूँ, सी ओ एंटर, ऊपर का एक पॉइंट क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर ऊपर के सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे और इसे रख देंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, देखिए मिड पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर सॉलिड इंटरसेक्ट हो चुका है। अब इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर सॉलिड सब्सट्रैक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सॉलिड सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स पे क्लिक एंटर और ये अंदर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। तो फिर से करता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन रखते हो तो ज़्यादा आसानी होगी सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पर सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन कर देता हूँ मैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड सब्सट्रैक्ट, अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक एंटर करता हूँ और फिर अंदर वाले बॉक्स पे क्लिक यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अंदर वाला बॉक्स देखिए सेकंड नंबर का बॉक्स है, तो यहाँ पर 3D सॉलिड सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक हॉलो पोर्शन क्रिएट हो गया है, जहाँ पर हम अपने स्विमिंग पूल के टैंक को यहाँ पर फिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस पॉलीलाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो टैंक तो हमारा रेडी है। तो ये जो हमने रेडी किया है इसका इस्तेमाल कर लिया है, ये जो हमारा वाटर है, तो ये वाटर हमें अपने टैंक पे रखना पड़ेगा। तो मैं इसे मूव करके रख देता हूँ हमारे टैंक पे, एम फॉर मूव। तो यहाँ पर वाटर हम लोग बनाया हुआ है, इस पॉइंट को लेंगे वाटर के मिड पॉइंट के यहाँ पर और इसे रख देंगे हम लोग अपने उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से हमने पिक किया है, यहाँ पर मिड पॉइंट पे देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा, देख सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर 2D वायर फ्रेम से उन पॉइंट्स को देख सकते हो और मूव कर सकते हो। तो मुझे शेड्स ऑफ ग्रे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं। अब मैं इन दोनों को ग्रुप कर सकता हूँ, जी फॉर ग्रुप, जी एंटर, स्विमिंग पूल का एक ग्रुप तैयार हो गया। अब इसे हम लोग मूव करके फिट कर लेते हैं अपने प्लान में। नीचे का पॉइंट लूँगा मैं या फिर ऊपर का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का मिड पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर ये जो हमने हॉलो पोर्शन क्रिएट किया इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पर फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मुझे मिड पॉइंट मिल चुका है, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये फिट हो जाएगा, देख सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है फिटिंग में, फिर से हम इसे मूव कर लेते हैं बाहर की तरफ। फिर से मूव करता हूँ मैं, एम फॉर मूव, यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेंगे इसका, मिड पॉइंट सही से लेना है आपको, मिड पॉइंट इस पॉइंट से मूव करेंगे और यहाँ पर रख देंगे मिड पॉइंट पे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, क्लिक। हाँ, अब सही से ये फिट हो चुका है। तो टेरेस में हमने यहाँ पर एक स्विमिंग पूल विथ वाटर प्रोवाइड किया है, जिसके मटेरियल भी हम अप्लाई करेंगे इसमें। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने पिरामिड यहाँ पर रूफ को हाइड किया था उसे शो कर देते हैं। शो करने के लिए यहाँ पर आप जा सकते हो, देखिए यहाँ पर अन आइसोलेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर देना है, जिससे जो हाइड हुआ था वो वापस आपको दिखने लगेगा। इस तरह से आप 3D ऑब्जेक्ट्स को हाइड और शो कर पाएंगे। इन लाइंस को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो अब मैं यहाँ पर इसके रेलिंग्स बनाने वाला हूँ, यहाँ पर रेलिंग्स जो हमें नज़र आ रहे हैं अपने 3D में। तो ये जो आपको रेलिंग्स नज़र आ रहे हैं, इन रेलिंग्स को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो रेलिंग्स बनाने के लिए चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, ग्लास रेलिंग या फिर आप पाइपलाइंस भी दिखा सकते हो। तो इस बालकनी के रेलिंग्स को बनाएंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। तो सिलेक्ट, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट, जिसे हम इस बालकनी में काम कर पाएंगे। PL फॉर पॉलीलाइन लेंगे, PL एंटर पॉलीलाइन, यहाँ पर आपको इस पॉइंट से क्लिक करना है, इस तरह से अंदाजे क्लिक कीजिए, ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और लास्ट में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर पॉलीलाइन बन जाएगा। अब आप इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन साइकिलिंग का इस्तेमाल करके पॉलीलाइन, और इसे ऊपर की तरफ कॉपी कर लीजिए, सी ओ एंटर, सी ओ, याद रखिए कॉपी करना है, मूव नहीं करना है, सी ओ एंटर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर 0.9 एंटर। तो यहाँ पर मैंने 0.9 कॉपी कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर अपने ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसे राउंड कर सकते हो फिलेट करके, एफ एंटर,
और यहाँ पर मैं रेडियस पे ले लेता हूँ रेडियस, यहाँ पर डाल देता हूँ 0.5, एंटर। इन दोनों लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इन दोनों लाइन पे पॉलीलाइन, ओके। फिर से स्पेस करके रिपीट कर देंगे, इन दोनों लाइन पे क्लिक, यहाँ पर फिलेट होके यहाँ पर राउंड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इस पॉलीलाइन को अपने पाइपलाइन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर पाइप्स बनाने हैं रेलिंग के। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि स्वीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो स्वीप का इस्तेमाल हम लोग पाइपलाइंस वगैरह बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह के स्प्रिंग वगैरह बना सकते हो। आपको एक पाथ ड्रॉ करना होगा और एक प्रोफाइल ड्रॉ करना होगा। तो मैं प्रोफाइल राउंड ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पर इस फेस पे। तो इस फेस पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखना है, जिससे हम अपने किसी भी फेस पे ड्रॉइंग बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, सी एंटर, एक पॉइंट देते हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट सर्कल के लिए, सी एंटर देने के बाद, और यहाँ पर मैं 0.02 एंटर। तो 0.02 का यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसे स्वीप का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसे, ये इस प्रोफाइल को थोड़ा सा कॉपी करके नीचे रख लीजिए, हम दूसरे रेलिंग्स बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, सी ओ एंटर। और मैं क्लिक करता हूँ साइड पे, और साइड पे क्लिक करके नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ अपने कर्सर को, तो यहाँ पर नीचे एक कॉपी हो जाएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे, अब यहाँ पर मैं इसे स्वीप करने वाला हूँ। देखिए स्वीप, स्वीप पे क्लिक, यहाँ पर ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक, स्पेस करेंगे, उसके बाद ये जो लाइन नज़र आ रही है इस पर क्लिक, पॉलीलाइन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पाइप हमारी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर पाएंगे इसे। अगर आपको ग्लास बनाना है तो सिंपल आप इस पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए और एक्सट्रूड कर सकते हो नीचे की तरफ इस पॉइंट तक, देखिए यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका ग्लास भी यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जी देखिए, हमने ग्लास इजीली बना लिया है। तो इस तरह से ग्लास बना सकते हो, या फिर आपको अगर पाइपलाइंस रखना है, यहाँ पर पाइप्स रखने हैं रेलिंग के, तभी आप रख सकते हो। सर्कल, सी फॉर सर्कल, सेंटर देना है यहाँ पर 0.01 एंटर। यहाँ पर स्वीप करेंगे, सर्कल पे क्लिक और फिर एंटर, यहाँ पर पॉलीलाइन पे क्लिक और एंटर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें कॉपी कर सकता हूँ, सी ओ एंटर, क्लिक करेंगे नीचे की तरफ 0.1 एंटर, नीचे की तरफ 0.2 एंटर, 0.3 एंटर, इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो, 0.4 एंटर, 0.5 एंटर। इस तरह से बहुत से रेलिंग्स आप यहां पर दिखा सकते हो, अगर आपको पाइप्स लाइंस दिखाने हैं तब। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसके एक बार्स ड्रॉ कर लेता हूं, बलूस्टर बोलते हैं जिसे हमें। तो यहां पर मैं सेंटर तक ड्रॉ कर लेता हूं एक लाइन, और इस लाइन को सिलेक्ट करके यहां पर देख सकते हो लाइन को मूव कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ नीचे की तरफ एक सर्कल। तो सर्कल बनाएंगे यहाँ पर हम लोग 0.01 का, और यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ या फिर स्वीप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीप, सर्कल पे क्लिक, एंटर, और यहाँ पर लाइन पे क्लिक और एंटर। देखिए यहाँ पर बार आ चुका है, इसे हम लोग मूव कॉपी कर सकते हैं, सी ओ फॉर कॉपी। पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं इस लाइन के पॉइंट्स पे। तो नीचे का लाइन आपको डिलीट नहीं करना है, याद रखिए, इसे रहने देना है। तो आप इस तरह से इसे डिस्टेंस पे रख सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, सी ओ एंटर, और क्लिक कीजिए साइड पे कहीं पर भी क्लिक कीजिए, और यहाँ पर डिस्टेंस पुट कर दीजिए, जैसे कि 1.5 मीटर्स, ओके, तो 3 मीटर्स, देन 4.5 एंटर, एंड देन 6 मीटर, देन 7.5 एंटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो बार्स यहाँ पर आ चुके हैं। सिलेक्ट, कॉपी, सी ओ एंटर, यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अंदाजे भी रख सकते हो अपने लाइन का इस्तेमाल करके नीचे की। देखिए हमने बालकनी में यहाँ पर रेलिंग्स प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग अपने रेलिंग्स को बना लेते हैं। तो सिंपल मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, PL फॉर पॉलीलाइन, यहाँ पर अंदर की तरफ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं फास्टली ड्रॉ करने वाला हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ तक मैं एंड कर दूंगा इसे। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ऊपर की तरफ पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके। अब मैं इसे कॉपी, सी ओ एंटर,
साइड पे क्लिक करना है कॉपी करते वक्त, क्लिक ऊपर की तरफ 0.9 एंटर। यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फिलेट कर देता हूँ ये जो राउंड करने के लिए, एफ एंटर, आर एंटर, आर एंटर करना है रेडियस पुट करने के लिए। यहाँ पर 0.5 एंटर कर देते हैं, यहाँ पर इन दोनों पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस करके यहाँ पर भी फिलेट, यहाँ पर भी राउंड करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसे कॉपी करके नीचे रख लेता हूँ मैं, सिलेक्ट कॉपी सी ओ एंटर, क्लिक करेंगे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ, सी फॉर सर्कल, सेंटर पॉइंट 0.01 रख देते हैं यहाँ पर, और इसके लिए 0.02 रख देते हैं रेडियस। अब मैं यहाँ पर इन्हें स्वीप कर देता हूँ, स्वीप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल पे क्लिक, यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर पॉलीलाइन पे क्लिक, पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर स्वीप, सर्कल पे क्लिक, यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर पॉलीलाइन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हो चुका है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ फॉर कॉपी, सेलेक्ट सी ओ एंटर, क्लिक करेंगे नीचे की तरफ, 0.1 पे हमने कॉपी किया था, 0.1 एंटर, उसी तरह से 0.2 एंटर, 0.3 एंटर, 0.4 एंटर, 0.5 एंटर। इस तरह से हमने यहाँ पर 5 रेलिंग्स दिखा दिए हैं, तो इसे भी हम लोग ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट सी ओ एंटर, और यहाँ पर इस मिड पॉइंट से कॉपी करेंगे और इसे रख देंगे हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट पे, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से आप एक गैप में इसे अंदाजे रख सकते हो, तो थोड़ा अंदाजे काम करेंगे तो आपका काम थोड़ा फास्ट होगा। अगर आप मेजरमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो फास्ट काम होना चाहिए हमारा, तो इसलिए आप अंदाजे कीजिए, मगर एक्यूरेट दिखना चाहिए, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखने चाहिए एक्यूरेट। कॉपी सी ओ, यहाँ पर गलती से यहाँ पर कॉपी हो गया, तो डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारे बालकनी के यहाँ पर रेलिंग्स प्रोवाइड हो गए हैं, कंट्रोल एस। अगर आप रियलिस्टिक व्यू में देखोगे यहाँ से, रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको नज़र आएगा हमारा रेलिंग्स। इसे हम लोग बाद में मटेरियल भी करने वाले हैं, हमारा मॉडल लगभग तैयार होने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे में ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, इसलिए मैं शेड्स ऑफ ग्रे यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कॉलम जो हाइड किया था, इसे हम लोग शो कर देते हैं। शो करने के लिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे आइसोलेट और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारा कॉलम था वो मिल जाएगा। तो देखिए हमारा 90% बंगलो रेडी है। चलिए अब हमारा यहाँ जो बाकी है वो है सिर्फ यहाँ पर डोर पैनल्स और यहाँ पर स्टेयरकेस एंट्री के लिए, तो चलिए हम लोग उसे भी बना लेते हैं। यहाँ पर रेलिंग्स बाकी रह गया है तो इसे भी मैं बना लेता हूँ, पॉलीलाइन, पीएल फॉर पॉलीलाइन। मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑर्थो ऑन रखना है, F8 शॉर्टकट है ऑर्थो मोड के लिए, F8। यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ से फिर आप यहाँ पर जा सकते हो, और यहाँ से मैं जाता हूँ इस पॉइंट पे। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके पॉलीलाइन को ऊपर की तरफ कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर, क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, 0.3 एंटर, फिलेट कर देंगे यहाँ पर हम लोग इसका, एफ एंटर, यहाँ पर 0.5 का फिलेट पहले से ही यहाँ पर सेट है तो 0.5 का फिलेट हो जाएगा। स्पेस करके रिपीट करेंगे और यहाँ पर भी फिलेट कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर पॉली लाइन रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी फॉर सर्कल, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर डाल देता हूँ 0.015 डालेंगे रेडियस, 0.015 स्वीप ले लेंगे, सर्कल पे क्लिक, यहाँ पर सॉरी सर्कल पे सही से क्लिक करना है, सर्कल एंटर, उसके पॉलीलाइन पे क्लिक, पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा यहाँ का रेलिंग आ गया है। अब यहाँ पर हमें एक बार ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक मैं यहाँ पर, 0.015 एंटर। अब मैं इसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड, यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेंगे यहाँ तक क्वाड्रेंट तक, देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करेंगे इसे, सिलेक्ट सी ओ एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक, और इस डायरेक्शन में मैं कॉपी कर लेता हूँ डिस्टेंस डाल के, 1 मीटर, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर,
इस तरह से। अब यहाँ पर एक सिलेक्ट रख देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब फिर इसे कॉपी करेंगे हम लोग, सी ओ फॉर कॉपी, पॉइंट पे क्लिक और इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इस डायरेक्शन पे, वन एंटर, टू एंटर, थ्री एंटर, फोर एंटर, फाइव एंटर, सिक्स एंटर। एरे भी कर सकते हो आप इसे, टेन एंड इलेवन एंटर। तो इलेवन वाला थोड़ा सा बाहर आ चुका है, तो मैं इसे अंदर ले लेता हूँ। अब फिर से कॉपी करता हूँ इसे, सी ओ फॉर कॉपी, मिड पॉइंट, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी का मेथड तो आपको पता चल गया है। चलिए एरे का मेथड देखते हैं कि आप इन रेलिंग्स को एरे का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं बैक आने के लिए यहां पर। तो देखिए एक बार तो यहां पर रेडी है, तो इस बार पे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर एरे पे जाना है। तो एरे ऑप्शन आपको मॉडिफाई टूल बार पे यहां पर एरे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एरे ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। तो एरे पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, पाथ, पोलार, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर पाथ एरे पे आपको क्लिक कर लेना है और पाथ दे देना है इस पॉलीलाइन को। पॉलीलाइन पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन साइकिलिंग को ऑन रखिए जिससे सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलीलाइन पर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पर बहुत से यहाँ पर रेडी हो चुके हैं बार्स। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस सेट कर लेना है। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है 0.045, तो इसे मैं 1 मीटर कर देता हूँ, वन एंटर। तो देख सकते हो एक झटके में यहाँ पर हमारा एरे रेडी हो चुका है। स्केप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने बार्स को एरे भी कर सकते हो। याद रखिए आपको यहाँ पर पाथ एरे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने रेलिंग्स को भी क्रिएट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारे जो ये विंडोज़ नज़र आ रहे हैं आपको, इनके हम लोग छज्जा बना लेते हैं। तो छज्जा यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, तो छज्जा बना लेते हैं। तो छज्जा भी हम चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट स्केच रेडी कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर प्लान्स में अवेलेबल हैं हमारे छज्जा, तो इन्हें ही हम लोग प्रेस पुल करेंगे। तो प्रेस पुल कर लेता हूँ इस छज्जा को 0.45 पे, 1.5 फुट। तो ये वाला हमारा एक छज्जा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर मैं इसे बॉक्स को थोड़ा सा कर लेता हूँ प्रेस पुल 0.45। तो ये हमारा छज्जा एक बन जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पर एक छज्जा है 0.45 एंटर, बॉक्स टाइप का। और यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ 0.45 एंटर। तो यहाँ पर हमारे सारे छज्जे रेडी हो गए हैं। अब रोटेट करके इन्हें हम लोग फिट करेंगे। सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर गिज़मो ले लेता हूँ रोटेट का। यहाँ पर रेड एक्सिस पे रोटेट सबसे पहले वर्टिकल बनाने के लिए, उसके बाद ब्लू एक्सिस पे रोटेट क्योंकि साइड में है छज्जा हमारा, तो ब्लू एक्सिस पे इसे रोटेट करेंगे। यहाँ पर आ गया, या अब इसे मूव कर देंगे, एम फॉर मूव, इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे के पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर छज्जा हमारा एक लग चुका है। अब यहाँ पर बॉक्स टाइप के छज्जे हम लोग फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, सी ओ फॉर कॉपी, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक, अंदर का पॉइंट लेना है याद रखिए। अब मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ कुछ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर छज्जा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हमारे, हमने अपने विंडो की साइज़ को बढ़ाया था जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर छज्जा थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो मैं आपको जो ड्राइंग प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे एरर्स मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, आप उसे इसीलिए इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं यहाँ पर मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेता हूँ इसे, तो प्रेस पुल कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा अंदाजे आगे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर इसे भी हम लोग मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। सॉरी ये पूरा रिमूव हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं यहाँ पर, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड करने के बाद तो यहाँ से भी मैं इसे प्रेस पुल कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ पर हमारा छज्जा रेडी हो चुका है। चलिए इसी को हम लोग ऊपर भी फिट कर देते हैं, सिलेक्ट सी ओ फॉर कॉपी, एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पर रख देंगे हम लोग इस पॉइंट पे। ऊपर के भी छज्जा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग
यहाँ पर तीसरे हमारे विंडो को ले लेते हैं, यहाँ पर इस विंडो को कॉपी, सी ओ एंटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर इसे रोटेट करना पड़ेगा रेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ और फिर ब्लू एक्सिस पे क्लिक और यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक। एम फॉर मूव, अंदर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अंदर का पॉइंट लेना है और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैच कर देना है। देखिए ये वाला भी छज्जा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्रिड है अभी वो वर्टिकल हो गया है प्लेन किसी वजह से। जैसे प्लेन जो है हमारा वो वर्टिकल हो गया है, ये जो ग्रिड आपको नजर आ रहे हैं। जैसे यूसीएस करके आपको यूसीएस एंटर डबल एंटर कर देना है, यूसीएस डबल एंटर, तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी प्रेस पुल में। तो यूसीएस डबल एंटर करेंगे तो ये जो प्लेन है हमारा उसके डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा, जो कि नीचे होता है जीरो लेवल पे, ओरिजिन पे, तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ, यूसीएस डबल एंटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपने स्टेयरकेस को यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टेयरकेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको हाइट यहाँ पर मेजर करनी है। हमारी यहाँ पर जो हाइट है वो 3+0.15 का छज्जा, मतलब टोटल फ्लोर हाइट हमारी 3.15 है। तो 3.15 के हिसाब से हमें इस टाइप का स्टेयरकेस यहाँ पर बनाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का स्टेयरकेस है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में भी यहाँ पर स्टेयरकेस है, इसे भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस टाइप का स्टेयरकेस बना लेते हैं, येल शेप में है। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे बॉक्स को। तो यहाँ पर अभी जो डायमेंशन पूछ रहा है, विड्थ मतलब ट्रेड का डायमेंशन, तो ट्रेड हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 0.4 का। ओके, तो 0.4 डाल देंगे, कॉमा करेंगे उसके बाद, कॉमा। सेकंड डायमेंशन आपको डालना है यहाँ पर 2.5 मीटर्स, 2.5 एंटर कर देना है। उसके बाद आपको राइजर हाइट यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ पर आपको अब हाइट देना है, तो राइजर हाइट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर आपको राइजर डाल देना है 0.175। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मैंने यहां पर 0.17 राइजर की हाइट कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से हमें 18 स्टेप यहां पर बनाने पड़ेंगे, टोटल 18 स्टेप्स। तो 175 एंटर करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा एक स्टेप यहां पर रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि इसे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ लीजिए, यहां पर लाइन ले लीजिए और लाइन देने के बाद इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कीजिए 0.1 मीटर का, 0.1 एंटर। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, मगर उसका कलर जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाइट कलर की लाइन है, तो वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर अगर रियलिस्टिक करोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, देखिए वाइट कलर में हमारी लाइन यहाँ पर, तो रियलिस्टिक में थोड़ा बहुत नज़र आएगा। या फिर आप कर सकते हो यहाँ पर अपने लेयर का कलर चेंज, तो लेयर का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं रेड, तो आपको रेड में भी नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। मैं यहाँ पर कर देता हूँ शेड्स ऑफ ग्रे, तो शेड्स ऑफ ग्रे करेंगे, शेड्स ऑफ ग्रे में रखना है और यहाँ पर लेयर का कलर यहाँ पर रेड कर देना है, तो आपको आपकी लाइन नज़र आएगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, लाइन प्लस बॉक्स, कॉपी करना है, सी ओ एंटर, उसके बाद इस पॉइंट से कॉपी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट से क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पे जो लाइन बनाया था हमने, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। इसी तरह से आगे भी क्लिक करते रहना है, तीन स्टेप, चार, यहाँ पर पाँच, देखिए लाइन की वजह से हमें यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, छः स्टेप, सात स्टेप, यहाँ पर आठ, 9, 10, 11, 12, ओके 13। तो 13 स्टेप हम लोग इस साइड में प्रोवाइड कर देंगे और बाकी जो हमारे बचे हुए 5 स्टेप है वो दूसरे साइड में प्रोवाइड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं प्रेस पुल लेता हूँ और ये जो हमारा है ये फेस, इसे प्रेस पुल कर लेता हूँ अपने लैंडिंग के लिए 2.5 एंटर, 2.5 पे यहाँ पर लैंडिंग। अब मैं इसी बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर, कॉपी करके साइड में ले लेंगे। अब इसे मैं रोटेट करता हूँ, ब्लू एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए रोटेट हो जाएगा और यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक कर देंगे तो ये रोटेट हो गया। अब मैं फिर से इसमें लाइन बनाने वाला हूँ, एल फॉर लाइन, 0.1 की लाइन यहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, 0.1 एंटर, और यहाँ पर कॉपी करेंगे, सेलेक्ट, सी ओ एंटर, इस पॉइंट से कॉपी करके मैं रख देता हूँ इसे इस कॉर्नर पे, डायरेक्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप
छोड़ के यहाँ पर रखना है, जिससे यहाँ पर सपोर्ट होगा। सपोर्ट के लिए ये जगह आपको रखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो आप इस तरह से बना दीजिए, 1, 2, 2, 3, 4, 5। ओके, तो 5 स्टेप हमें चाहिए, तो 5 स्टेप यहाँ पर मिल चुके हैं हमें, इसे डिलीट कर देते हैं। अब आप चाहो तो इन सबको यूनियन कर सकते हो। सबसे पहले यूनियन ले लीजिए, इन सबको सिलेक्ट, एंटर। तो यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस भी यूनियन हो चुका है। अब मुझे करना क्या है कि इसे मूव कर देता हूँ, एम फॉर मूव, एम एंटर, और मैं ये जो पॉइंट है हमारा, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला पॉइंट ऊपर का मिड पॉइंट, इसे सबसे पहले अपने डोर के यहाँ पर मिड पॉइंट पे रख दीजिए। मिड पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, आप अंदाजे रख सकते हो, क्लिक कर दीजिए यहाँ पर सिर्फ। तो इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आपको पीछे जितना लैंडिंग क्रिएट करनी है, यहाँ पर मैं गिज़्मो ले लेता हूँ मूव का, और मूव का गिज़्मो लेके इसे जितना आपको पीछे चाहिए उतना ले लीजिए, लैंडिंग जितनी आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं 3 मीटर की लैंडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, 3 एंटर। तो 3 मीटर मैंने पीछे ले लिया इसे। अब मैं इसे प्रेस पुल करूँगा, प्रेस पुल, इस फेस को प्रेस पुल करके हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर एंट्री पर, देखिए यहाँ पर क्लिक। तो इस तरह से आप लैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। ये जो लाइंस थे इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट कर देंगे ये सारे लाइंस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो स्टेयरकेस है वो रेडी हो चुका है। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर रेलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो रेलिंग्स बनाने के लिए हम लोग पॉलीलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको आप 2D पॉलीलाइन का नहीं, 3D पॉलीलाइन का इस्तेमाल करना है, और साथ में इस बटन को भी ऑफ कर देना है, डायनेमिक UCS को भी ऑफ कर देना है। तो अगर डायनेमिक UCS रखेंगे तो आपको इस सरफेस पे आप काम करते हो तो इसी सरफेस के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, नीचे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको डायनेमिक UCS को ऑफ कर देना है। सिलेक्शन साइकिलिंग ऑन रहेगा, चलेगा, मगर आपको यहाँ पर 3D पॉलीलाइन का इस्तेमाल करना है, याद रखिए 3D पॉलीलाइन। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 3D। तो 3D टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको 3D पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट मिल जाएगा, 3D पॉलीलाइन एंटर कर सकते हो 3D पॉलीलाइन के लिए। या फिर आप ड्रॉ में अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं लाइन में, देखिए अगर आप यहाँ पर ड्रॉ में लाइन में जाते हो तो यहाँ पर पॉलीलाइन है और 3D पॉलीलाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो उसके 3D पॉलीलाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अपने पॉलीलाइन का पाथ आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो मैं फर्स्ट क्लिक यहाँ पर कर देता हूँ, सेकंड क्लिक यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पे क्लिक करना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, देखिए फिर से परपेंडिकुलर। उसके बाद नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्लिक कर सकते हो, और फिर यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है अपने पॉलीलाइन को। पॉइंट्स सही से दीजिए, नहीं तो आपका पॉलीलाइन अच्छे से नहीं आएगा और आपके रेलिंग्स भी अच्छे से ड्रॉ नहीं होंगे। इस तरह से मैं इधर के भी रेलिंग्स का पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, 3D पॉलीलाइन क्लिक करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर लेना है, परपेंडिकुलर पे क्लिक, फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर, फिर से नीचे की तरफ क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए इस पॉइंट पर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट परपेंडिकुलर, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉलीलाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन दोनों को कॉपी कर लेंगे हम लोग, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और CO एंटर करेंगे, CO एंटर क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ 0.9 पे कॉपी कर देंगे, 0.9 एंटर। तो यहाँ पर हमारा दोनों पॉलीलाइन यहाँ पर हो गया है। करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहाँ पर भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ताकि हमारा रेलिंग यहाँ पर क्लोज हो सके। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको, जे फॉर ज्वाइन, जे एंटर, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना है आपको, जे एंटर कर देना है, सिलेक्ट बोथ एंड जे एंटर। यहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाएगा, जे एंटर करने से ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों लाइन हमने अलग अलग ड्रॉ किए थे वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर रेलिंग्स देने वाला हूँ, तो इसके लिए हम लोग सर्कल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर डायनेमिक UCS को ऑन कर देंगे, क्योंकि हम लोग इस सरफेस पे यहाँ पर हम लोग सर्कल बनाने वाले हैं। सी एंटर, सेंटर देंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पर 0.02 एंटर, और यहाँ पर भी स्पेस करके यहाँ पर सेंटर, फिर से स्पेस करेंगे तो सेम डायमीटर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम डायमीटर रिपीट हो गया, और यहाँ पर आप इस पॉलीलाइन को थोड़ा सा कॉपी करके नीचे रख सकते हो, CO एंटर, CO फॉर कॉपी एंटर, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, इससे भी इसे भी,
सी ओ एंटर और क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ कॉपी कर लेंगे इसे। तो मैं यहाँ पर 0.2 पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, ताकि हमें बाद में इसका यूज़ कर सके। चलिए आप स्वीप का इस्तेमाल करके इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। स्वीप, इस सर्कल पे क्लिक, एंटर। उसके बाद यहाँ पर पॉलीलाइन पे क्लिक, 3D पॉलीलाइन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हो गया। तो इसके लिए आपको सिलेक्शन साइकिलिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जिससे लिस्ट प्रोवाइड होगी, आप इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। स्वीप के बारे में यहाँ पर देखिए, स्वीप में क्लिक करेंगे, लिस्ट जो है सिलेक्शन साइकिलिंग की वजह से आ रही है। तो इस बटन को आपको ऑन रखना है, सिलेक्शन साइकिलिंग, सर्कल पे क्लिक, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइन पे क्लिक, 3D पॉलीलाइन। तो देखिए यहाँ पर हमारे रेलिंग्स टोटली कंप्लीट यहाँ तक क्लोज हो चुके हैं। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी एक रेलिंग ड्रॉ करते हैं, सर्कल यहाँ पर 0.01 का, सेम सर्कल स्पेस प्रेस करके यहाँ पर भी देंगे और यहाँ पर स्वीप करेंगे फिर से, सर्कल पे क्लिक, एंटर, फिर पॉलीलाइन पे क्लिक, हो गया। स्पेस यहाँ पर सर्कल पे क्लिक, एंटर, और फिर पॉलीलाइन पे क्लिक, एंटर। यहाँ पर हमारे पॉलीलाइंस भी ड्रॉ हो गए हैं। अब इन दोनों पॉलीलाइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ कॉपी करते हैं, सी ओ एंटर, क्लिक करेंगे साइड में और नीचे की तरफ 0.1 एंटर, 0.2 एंटर, 0.3 एंटर, 0.4 एंटर, 0.5 एंटर। इस तरह से आप एक्चुअल डिस्टेंस में से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है रेलिंग यहाँ पर बन चुका है। चलिए इसके लिए भी हम लोग बलूस्टर यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं रेलिंग के लिए। तो आप साइड में भी कोई भी सर्कल बना के वहाँ पर रख सकते हो, जैसे कि सी फॉर सर्कल, सेंटर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं 0.02 रेडियस का और एक दूसरा सर्कल बनाते हैं 0.01 रेडियस का। तो यहाँ पर दो सर्कल प्रेस पुल करेंगे इसे, प्रेस पुल, अंदर का जो है वो 0.9 पे और बाहर का जो सर्कल नज़र आ रहा है उसे हम लोग 0.6 पे यहाँ पर प्रेस पुल करेंगे। और यहाँ पर ये बाहर के जो सिलेंडर है सर्कल, इसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर देंगे 0.2 पे, 0.2 एंटर, सॉरी 0.2 ज़्यादा हो गया, 0.1 पे हमें 0.15। तो मैं फिर से कर देता हूँ इसे, कंट्रोल जेड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऊपर की तरफ 0.15 एंटर, और यहाँ पर हमारा इस तरह का बलूस्टर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर यूनियन कर देंगे इन दोनों को, एंटर। अब इसे हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, सी ओ एंटर, पॉइंट देंगे यहाँ पर पॉइंट, और इसे हम लोग यहाँ पर रख देंगे इस लाइन पे। तो लाइन आपको डिलीट नहीं करनी है, आप इजीली इस तरह से रख पाएंगे लाइंस को लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो इस तरह से आप इसे रख पाएंगे। यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। आप चाहो तो पाथ एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं फ़िलहाल इसे मैन्युअली कर रहा हूँ, तो मैन्युअली भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा इसे पेस्ट करने में। तो इस तरह से क्लिक करके आप स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसे रख सकते हो। इसके ऊपर भी रख देते हैं और एक यहाँ पर भी रख देते हैं इस स्टेप पे। तो हो गया, हमारे सारे बलूस्टर यहाँ पर फिट हो गए हैं। तो देख सकते हो हमने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टेयरकेस रेडी कर लिया है। कंट्रोल एस कर देते हैं सेव करने के लिए। याद रखिए, सेव करना मत भूलिए, या फिर आपका कोई कभी भी हैंग हो सकता है पीसी, क्योंकि ऑटोकैड 3D में कभी कभी पीसी हैंग हो जाते हैं। तो सेव करना मत भूलिए अपने प्लान को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अब यहाँ पर ग्राउंड रेडी करते हैं और यहाँ पर हमारे डोर्स भी रेडी करते हैं। तो ग्राउंड बनाने के लिए आप सिंपल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉक्स ले लीजिए, एक रेक्टेंगल बना दीजिए यहाँ पर, एक ग्राउंड इस तरह से क्लिक करके नीचे की तरफ एक छोटा सा थिकनेस दे दीजिए अंदाजे। ये हमारा ग्राउंड क्रिएट हो गया है, हमने अपने ग्राउंड को भी क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इसे मटेरियल, टेक्सचर एंड रेंडरिंग। तो चलिए अब मटेरियल, टेक्सचर और रेंडरिंग करते हैं इस प्लान की। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से MAT प्रेस कर सकते हो, MAT फॉर मटेरियल ब्राउजर, MAT एंटर कीजिए, जिसमें आपको ऑटोडेस्क की तरफ से सारे डिफॉल्ट मटेरियल मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो इसे आप इस तरह से छोटा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर होम में अगर आप जाते हो और फिर ऑटोडेस्क लाइब्रेरी को ओपन करते हो तो यहाँ पर सारे मटेरियल के फाइल्स आपको मिलेंगे। सिरामिक, कॉन्क्रीट, फैब्रिक, फिनिशिंग, फ्लोरिंग, ग्लास, मैसनरी, मेटल, मेटेलिक पेंट, मिरर, मिसिलिनियस, ऐसे बहुत से आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो इसमें से कोई भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो, सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई करना है अपने पेंट को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको विजुअल स्टाइल को रियलिस्टिक कर लेना है। अगर आप रियलिस्टिक नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कलर या फिर मटेरियल नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप रियलिस्टिक कर लीजिए जिससे आपको यहाँ पर इसकी एक्चुअल कलर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मुझे यहाँ पर रेड नहीं रखना है, यहाँ पर लेयर का कलर चेंज कर लीजिए, रेड की जगह यहाँ पर वाइट कर लीजिए। ओके, तो आपका कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये 2D लाइंस यहाँ पर रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंडरिंग में ये 2D लाइंस आपको नज़र नहीं आएंगे, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने वॉल्स को इजीली कलर कर पाएंगे इसका इस्तेमाल करके। आप देख सकते हो वहाँ पर वॉल पेंट अवेलेबल है, बहुत से वॉल पेंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वाइट कलर का पेंट अप्लाई कर देता हूँ हमारे वॉल में। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वॉल पेंट कूल वाइट, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर भी वॉल अप्लाई हो गया है वाइट पेंट, यहाँ पर भी हम लोग वाइट पेंट अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों में हमने वाइट पेंट अप्लाई कर दिया है, इस फ्लोर को भी वाइट पेंट और यहाँ पर इस फ्लोर को भी वाइट पेंट कर देंगे, यहाँ पर इस फ्लोर को भी वाइट पेंट कर देंगे, इस स्टेयर को इसको भी वाइट पेंट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं इन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके वाइट पेंट, तो इस तरह से। तो यहां पर जितने बार आप वाइट पेंट अप्लाई करोगे उतनी लिस्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगी अपने मटेरियल की। तो आपको बार बार ड्रैग करके अप्लाई करने की, सेम मटेरियल को ड्रैग करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर कंट्रोल जेड कर देता हूं, देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी लिस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं यहां पर। तो एक बार जब आप अप्लाई करते हो यहाँ पर वाइट कलर, तो यहाँ से आपको अब अप्लाई नहीं करना है, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको लिस्ट बहुत बड़ी मिल जाएगी। तो लिस्ट से वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर अवेलेबल आ गया है देखो वाइट मटेरियल, यहाँ से अप्लाई कीजिए जिससे अलग अलग यहाँ पर लिस्ट रेडी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इन सारे मटेरियल्स को हमारे स्टेयरकेस पे और यहाँ पर कॉलम्स पे। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पे और यहाँ पर फ्लोर पे भी, कॉलम्स पे भी, फ्लोर पे भी यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मटेरियल वाइट कलर का जो मटेरियल है उसे हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फेंट में नज़र आ रहा है, रियलिस्टिक में यही व्यू मिलता है। आप चाहो तो थोड़ा शेडेड में वगैरह देख सकते हो और रियलिस्टिक हमारा रियल व्यू पेंटिंग करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर भी वाइट पेंट है तो यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ वाइट पेंट और देखते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ पर। तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पर बहुत से सारे कलर्स अवेलेबल है, सारे कलर्स एक एक करके हम लोग डालेंगे, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये मटेरियल भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारे मटेरियल आप क्रिएट कर सकते हो, ये वॉल में जो टाइल मटेरियल अवेलेबल है उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और भी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं। तो स्टोन में देखिए यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो स्टोन भी आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए आप इसे स्टोन में भी दिखा सकते हो इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा इस फर्स्ट सर्फेस पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों सर्फेस यहाँ पर वॉल और इस कॉलम के ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप चाहो तो ये जो कॉलम है थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो यहाँ पर 0.02 से 0.02 मूव कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर आने की वजह से आप देखिए। तो यहाँ पर हमने हमारे कॉलम का जो बॉक्स है उसे ऊपर ले लिया है, तो उससे हमारा कॉलम का यहाँ पर नज़र आ रहा है मटेरियल। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो या फिर कोई भी मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पर ग्रीन पेंट अप्लाई कर देता हूँ हमारे जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले छज्जास, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। आप चाहो तो कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, फिलहाल मैं देख रहा हूँ कौन सा कलर अच्छा लगेगा हमारे वॉल पे।
इसे फ्रेम्स को आप वुडन मटेरियल डाल सकते हो, वुड पे जाइए, यहाँ पर बहुत से वुड मटेरियल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग वुडन मटेरियल डाल सकते हैं हमारे इन फ्रेम्स को। देखिए थोड़ा सा ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाला सही है। तो देखिए यहाँ पर वुडन मटेरियल अप्लाई हो गया। बहुत से ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल है 2020 में, और अगर आप कोई भी पुराना वर्जन यूज़ करते हो उसमें भी अवेलेबल हैं ये सारे मटेरियल्स। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ वापस, देखिए, या फिर ये वाला मटेरियल, देखिए। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन्हें पेंट कर सकते हो। इस फ्रेम को भी कर देते हैं पेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। चलिए हमारे हेडरूम को यहाँ पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लास जो है हमारा, सॉरी ग्रास को भी कर देते हैं यहाँ पर। ग्लास का बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ग्लास ले लेते हैं। तो कोई भी ग्लास आप अप्लाई कर सकते हो, ब्लू कलर में मैं ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर, ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए ब्लू कलर अप्लाई हो गया। एक बार अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो ताकि यहाँ पर लिस्ट ज़्यादा बड़ी क्रिएट ना हो। तो मैं यहाँ पर इन्हें पेंट कर देता हूँ। तो विंडोज़ को यूनियन नहीं करना है आपको, विंडोज़ को अलग अलग रखना है, तभी ये पेंट आप अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग। सबको यूनियन कर देंगे तो सबको एक ही पेंट अप्लाई होगा, तो यूनियन आपको नहीं करना है सारे ऑब्जेक्ट्स को। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो चलेगा। आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप से अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सारे विंडोज़ को ग्रुप किया था, मगर फिर भी हम इजीली इसमें पेंट अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रुप किया हुआ था। यूनियन नहीं करना है, इतना याद रखना है। तो यूनियन मत कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यूनियन एक बार हो गया, उसके बाद आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे, वापस अनयूनियन नहीं होता। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करके आप रिवर्स आ सकते हो, या फिर आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा उन ऑब्जेक्ट्स को जिसे आपने यूनियन किया है। यहाँ पर हमारा मटेरियल डाल दिया है हमने, थोड़ा सा यहाँ पर अलग मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वुडन अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दूसरा स्टील वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, एल्यूमिनियम स्टील। ये फ्रेम जो है ज़्यादातर एल्यूमिनियम में अवेलेबल होते हैं, तो एल्यूमिनियम भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सारे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कर देता हूँ मैं इन्हें पेंट। आप अगर ये मटेरियल टेक्सचर 3D Max में करेंगे और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा नज़र आएगा। 3D Max में मटेरियल और टेक्सचरिंग और रेंडरिंग बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं AutoCAD में रेंडरिंग कैसे करते हैं ये सिखाऊं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है कि AutoCAD में आप किस तरह से रेंडरिंग कर पाएंगे, इसे सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो है यहाँ पर आपको रेलिंग जो नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले मैं इन्हें यूनियन कर देता हूँ। यूनियन, इन सारे रेलिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए यूनियन हो गया। इसी तरह से आप इन पाइपलाइंस को भी यूनियन कर सकते हो। यूनियन मटेरियल डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन बार्स को भी यूनियन कर लेते हो। तो एक ही बार इन सबको यूनियन कर लीजिए, देखिए ये पूरी तरह से यूनियन हो चुका है। इन रेलिंग्स को भी यूनियन कर सकते हो क्योंकि इन सब का सेम मटेरियल रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सबको यूनियन कर लेता हूँ जितने सेलेक्ट होते हैं। स्टेयर के साथ यूनियन मत कीजिए, इन बलूस्टर को भी एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी तीन बलूस्टर यहाँ पर बाकी हैं, तो इन्हें भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे रेलिंग को यूनियन कर दिया है। यहाँ पर ये वाले बार्स बच गए हैं, तो यूनियन, इसे सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट और इसे सिलेक्ट, और एंटर प्रेस कर देंगे।
ये वाले बाकी रह गया, इन दोनों को फिर से कर देते हैं, हो गया। यहाँ पर भी एक बच गया है, तो इससे भी मैं यूनियन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे रिलिंग्स यूनियन कर लिए हैं। ऊपर की तरफ फास्टली मैं रियूनियन कर लेता हूँ इन्हें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉडलिंग में। अगर आप यहाँ पर इस फोटो में नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एक अलग पेंट अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे क्या करेंगे हम लोग इसमें बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर बॉक्स ले लेंगे, यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, सॉरी बॉक्स ले लेंगे, इस सरफेस पे हाईलाइट करके यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ यहाँ पर 0.02 एंटर यहाँ पर इस तरह से, और इसे भी हम लोग एक टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं स्टोन का। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा दोनों स्टोन के मटेरियल्स। फिर आप कोई भी दूसरा स्टोन का कलर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर डालने वाला हूँ इस हेडरूम को और ग्लास का कलर इस पैनल को। तो देख सकते हो ग्लास का पैनल हमने यहाँ पर बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्विमिंग पूल का मटेरियल अप्लाई करते हैं। स्विमिंग पूल के लिए हम लोग यहाँ पर टाइल्स ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते हो सर्च कर सकते हो आप यहाँ पर टाइल मटेरियल, और मैं जाता हूँ टाइल एंटर, तो टाइल्स मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर, और वाटर के लिए यहाँ पर अब यहाँ पर डिलीट कर दीजिए इसे, और वाटर के लिए यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर वाटर है, देखिए स्विमिंग पूल वाटर, स्विमिंग पूल यहाँ पर वाटर भी अप्लाई कर दीजिए। अब देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा टाइल भी अप्लाई हो चुका है और हमारा वाटर भी क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से स्विमिंग पूल का मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इस फेसेस को कलर करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे एक्सटीरियर के रूम्स हैं यहाँ पर अलग अलग पेंट अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर टाइल वर्क है, यहाँ पर अलग पेंट है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग फेसेस को कलर करने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो फेसेस हैं यहाँ पर ये अलग से एक फेस क्रिएट करना होगा और उसे अलग मटेरियल अप्लाई करके आपको यहाँ पर फिट करना होगा। तो इसके लिए कॉपी फेस एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये वाले बेसिक वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर 3D मॉडलिंग में चले जाना है, जिसमें आपको एडवांस ऑप्शन मिलेंगे 3D मॉडलिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको कॉपी फेस ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपी फेस पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। कॉपी फेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पैरेलल फेस को देखना है, इस फेस को, और इस फेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो आप। आपको याद रखना है सही फेस आपको सिलेक्ट करना है, कई बार यहाँ पर गलत फेस सिलेक्ट हो जाता है। फिर से मैं ले लेता हूँ कॉपी फेस, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, देखिए फेस सिलेक्ट हो गया सही फेस, और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ एंटर, और उसके बाद इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इसे बाहर क्लिक कर देता हूँ तो और एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फेस है वो कॉपी हो चुका है, जो कि एक निग्लिजिबल थिकनेस का है, मतलब इसमें थिकनेस अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक्सट्रूड कर लीजिए। तो एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 0.01 पे एंटर, तो 0.01 मतलब एक स्लाइटली छोटी सी थिकनेस यहाँ पर आ जाएगी। और इसे मैं अलग पेंट अप्लाई कर सकता हूँ अब MAT का इस्तेमाल करके, MAT एंटर, और यहाँ पर मैं पेंट अप्लाई करूँगा ग्रीन, देखिए ग्रीन पेंट हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मैं इसे वापस से फिट कर दूंगा यहाँ पर इसके ऊपर। तो सिलेक्ट करेंगे CO एंटर करेंगे, CO एंटर, यहाँ पर पॉइंट देंगे इस पॉइंट को और इसे मूव करके हम लोग एग्जैक्ट इसी फेस पे यहाँ पर मैच कर देंगे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो फिट कर देंगे। देखिए हमारे एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस यहाँ पर आ गया है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, नीचे से यहाँ पर नीचे फिट करना चाहिए था CO फॉर कॉपी, तो सॉरी मूव करेंगे M फॉर मूव्स, यहाँ पर M फॉर मूव, M एंटर, यहाँ पर क्लिक और नीचे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम हम लोग कॉपी फेस का इस्तेमाल करेंगे इस फेस के लिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पैरल देखना है आपको अपने फेस को, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे कॉपी फेस, क्लिक करेंगे इस फेस को, एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाहर ले लेंगे इस फेस को क्लिक करके, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस फेस को हम लोग यहाँ पर एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड सिलेक्ट, एक्सट्रूड पे क्लिक,
0.01 एंटर, और यहाँ पर हम लोग इसको फिट कर देंगे सी ओ फॉर सॉरी कॉप मूव कर देंगे एम फॉर मूव, नीचे की तरफ से मूव कीजिए अच्छा होगा नीचे से। तो इसका सेकंड पॉइंट जूम करके सिलेक्ट कर लेना है, जूम करने के बाद आपको यहाँ पर इसे फिट कर देना है इस पॉइंट पे, तो एग्जैक्ट हमारे फेस पे फिट हो जाएगा। अब इस पर आप कोई भी पेंट अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें ब्राउन कलर अप्लाई करने वाला हूँ, तो ब्राउन कलर लेते हैं वुड वॉल पेंट। यहाँ पर ब्राउन देखिए, यहाँ पर ब्राउन कलर अवेलेबल है, तो आप इस तरह से ब्राउन कलर अप्लाई कर सकते हो इस फेस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग वुडन पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो उसे बाहर से भी डाउनलोड करके ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैंने जो फोल्डर अवेलेबल किया है उसमें टेक्सचर नाम का एक फोल्डर है, इसमें बहुत से टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इन टेक्सचर को अपने प्लान में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि डोर के लिए हमने डोर का टेक्सचर लिया है, इस टाइप के डोर्स भी हम लोग फिट करने वाले हैं, तो ये डोर्स हम लोग अपने प्लान में लगा सकते हैं और इन मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक मटेरियल लगता है इस तरह से अप्लाई करने से। तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ या फिर यहाँ से भी आप जो भी रेडीमेड मटेरियल है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सही नहीं लग रहा तो ये वाला, तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से। फ्लोरिंग देखते हैं, फ्लोरिंग यहाँ पर है या नहीं। रूफिंग यहाँ पर है, तो रूफिंग टाइल्स आप यहाँ पर लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने ये ब्राउन कलर का अप्लाई कर दिया है यहाँ पर रूफिंग के लिए, और यहाँ पर एल्यूमिनियम या फिर स्टील के लिए यहाँ पर मेटल में जाइए, स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ पर मिलेगा, एस फॉर स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील अवेलेबल है, देखिए कोई भी ले सकते हो स्टेनलेस स्टील, और अपने रेलिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। देखिए अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। ब्लैक कलर का फिलहाल नज़र आएगा, बाद में वो आपको स्टील में नज़र आएगा, जब आप इसे रेंडर करोगे तब वो आपको स्टील पेंट में नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है, इसे भी अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर एरे को अप्लाई करके देखते हैं, एरे जो हमने किया था यहाँ पर, इसमें अप्लाई नहीं होगा देखिए। तो इसे आपको एक्सप्लोर करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करके एक्स एंटर। तो एक्सप्लोर होने के बाद आप इसमें मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, आप यूनियन कर दीजिए। तो आप यूनियन अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर यूनियन कमांड देखिए यहाँ पर है, तो सॉलिड यूनियन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस व्यू पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर इस व्यू से, और इस व्यू से सारे इन बार्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे इसे, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यूनियन हो जाएगा, आप स्टेनलेस स्टील आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है अपने मटेरियल स्टेनलेस स्टील को। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो साइड का जो स्टेयरकेस था वो भी बाकी रह गया है, तो इसे भी हम लोग बना लेते हैं। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ शेड्स ऑफ ग्रे में। अब यहाँ का स्टेयरकेस कैसे बनाएंगे, देखिए एक लाइन ले लेनी है अंदाजे, एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, एक लाइन देखिए इस फेस को हाईलाइट करके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो एक लाइन ले लेनी है सबसे पहले। उसके बाद एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बॉक्स ले लेता हूँ। 0.3 कौमा करना है यहाँ पर, 2 मीटर्स या फिर 1.5 मीटर एंटर, और इसके बाद थिकनेस दे देनी है आपको इसकी ऊपर की तरफ 0.03 एंटर, तो ये आपका आ जाएगा देखिए थिकनेस। और यहाँ पर एम फॉर मूव, मूव करके इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे मूव करना है, सेलेक्ट करके एम एंटर, और ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। और सॉरी यहाँ पर लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है हमारी, तो लाइन आपको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करनी है, डोर के इस पॉइंट तक। उसके बाद इसे मूव कर लेना है, सिलेक्ट एम फॉर मूव, ऊपर के पॉइंट क्लिक, और यहाँ पर रख देंगे इस पॉइंट पे। अब मैं इसे एरे कर लेता हूँ, सिलेक्ट यहाँ पर जाएंगे पाथ एरे, और यहाँ पर मैं लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ लाइन, देखिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको गैप को कम कर लेना है, 2.25 है तो यहाँ पर 0.3 गैप रख लीजिए। तो 0.3 जब आप गैप रखेंगे तो बहुत से स्टेप्स यहाँ पर आ जाएंगे, 0.3 गैप कर लीजिए यहाँ पर और स्केप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टेयर हमारे आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इसे, प्रेस पुल इस वाले फेस को, देखिए यहाँ पर ये वाले छोटे से फेस को आगे तक मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ, और नीचे की तरफ भी इसे प्रेस पुल कर लेते हैं इस पॉइंट तक। देखिए यहाँ पर इस फ्लोर के पॉइंट तक आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एक फ्लोर अवेलेबल हो जाएगा प्रेस पुल में। अब इसके रेलिंग्स बनाने हैं, तो आपको पता है कि आप 3D पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है 3D पॉलीलाइन।
तो 3D पॉलीलाइन यहाँ पर अवेलेबल है, 3D पॉइंट लेना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर डायनेमिक UCS को ऑफ कर देना है, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3D पॉलीलाइन ने डायनेमिक को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए, डायनेमिक UCS, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर दीजिए, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर दीजिए, इससे पॉइंट आपको नजर आएंगे। इस तरह से क्लिक कीजिए यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल जेड, ठीक से आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पॉइंट दे देना है परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर रेलिंग आ गया है, इसे कॉपी कर लेते हैं, CO फॉर कॉपी, ऊपर की तरफ सेलेक्ट, CO एंटर, ऊपर की तरफ 0.9 एंटर। तो चलिए इसे हम लोग इस फेस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर, सॉरी डायनेमिक इनपुट, सॉरी डायनेमिक UCS ऑन कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए 0.02 एंटर। इस पॉलीलाइन को कॉपी कर लीजिए नीचे की तरफ, सेलेक्ट पॉलीलाइन, CO एंटर, नीचे की तरफ कॉपी कर लीजिए 0.2 पे एंटर। यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, 0.01 एंटर। स्वीप ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्वीप ले सकते हो, देखिए यहाँ पर स्वीप अवेलेबल है, स्वीप। उसके बाद इस सर्कल पे क्लिक एंटर, और इस पॉलीलाइन पे क्लिक, ओके, इस सर्कल पे क्लिक एंटर। उसके बाद यहाँ पर पॉलीलाइन पे क्लिक, इस तरह से रेलिंग आ जाएगा, इस रेलिंग को कॉपी कर लीजिए, CO एंटर, क्लिक नीचे की तरफ 0.1 एंटर, 0.2 एंटर, नीचे की तरफ 0.3 एंटर, 0.4 एंटर, 0.5 एंटर। इस तरह से आपके रेलिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देख सकते हो हमने साइड के भी रेलिंग बना लिए हैं। अब चलिए इसे हम लोग पेंट करते हैं, तो रियलिस्टिक में आ जाते हैं। इन रेलिंग्स को यूनियन कर लीजिए, यूनियन इन फर्स्ट रेलिंग, सेकंड, सॉरी पहले फर्स्ट यूनियन सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से आपको क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रेलिंग अवेलेबल हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे मटेरियल अप्लाई करते हैं, MAT एंटर। MAT करने के बाद यहाँ पर स्टेनलेस स्टील अप्लाई करेंगे हमारे रेलिंग के लिए, और यहाँ पर वुडन मटेरियल यहाँ पर इस स्टेयर के लिए। तो इसे सबसे पहले एरे किया हुआ है, इसलिए इसे एक्सप्लोर करना होगा, एक्स एंटर का इस्तेमाल करके एक्सप्लोर कर लीजिए, जिससे ये सारे स्टेयर अलग अलग हो जाएंगे। तो एक्स एंटर कीजिए, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब यूनियन कर सकते हो आप, यूनियन कर लीजिए, तो यूनियन इन सारे स्टेप्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर हैं, क्लिक कीजिए। रियलिस्टिक में ऐसा ही होता है, नज़र नहीं आते सही से सॉलिड्स। और यहाँ पर मैं इन्हें टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी वुडन। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो वुडन मटेरियल, आप जो वुडन मटेरियल चाहो अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर हो चुका है हमारा, स्टेयर के साइड के भी रेडी कर लिए हमने। अब मैं यहाँ पर इस फेस को पेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉपी फेस कर लेता हूँ इसका। तो कॉपी फेस के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉपी फेस पे, इस फेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्लिक करते हैं इसको, बाहर ले लेते हैं इस फेस को, क्लिक स्किप। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूड 0.02 या फिर 0.01 या फिर 2 रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब इसको पेंट अप्लाई कर देता हूँ कोई टेक्सचर, तो मैं इसमें अप्लाई करूँगा ब्राउन कलर, ब्राउन यहाँ पर आ सकता है। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे मूव कर लूँगा, एम फॉर मूव, नीचे की तरफ से मूव करेंगे तो अच्छा होगा। इस पॉइंट को मैं ले लूँगा इस साइड के, यहाँ के अंदर के पॉइंट को, और इससे फिट कर दूंगा मैं यहाँ पर कुछ। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर ले लीजिए परपेंडिकुलर। तो देखिए इसे भी हमने पेंट कर दिया है फ्रंट फेस को, हमारा लगभग यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा फ्लोर। चलिए अब बाकी का यहाँ पर डोर, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं डोर्स। तो डोर्स के लिए आपको एक रेक्टेंगल लेना है, REC प्रेस करके एंटर। याद रखिए कि आपका यहाँ पर डायनेमिक UCS ऑन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इस फेस पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल बनने के बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसे बाहर कर लेंगे हम लोग। अब आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रूड कर पाएंगे एज ए पैनल 0.03 पर, मैं इसे प्रेस एक्सट्रूड कर लेता हूं। अब हम इस पे एक मटेरियल अप्लाई करेंगे,
जो कि होगा हमारा डोर का मटेरियल। तो मैं अपने मेन डोर को ये वाला मटेरियल अप्लाई करने वाला हूँ। इस टाइप का मुझे डोर चाहिए, तो ये वाला टेक्सचर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया है, तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पर कि एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूँगा डोर का। तो यहाँ पर आपको न्यू मटेरियल पे चले जाना है। देखिए यहाँ पर न्यू जेनेरिक मटेरियल, तो इस पर क्लिक कर देना है न्यू जेनेरिक मटेरियल पे। तो एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि इमेज सिलेक्शन यहाँ पर आपको करना है, नो इमेज सिलेक्टेड, यहाँ पर आपको इमेज ले लेना है और अपने टेक्सचर के फोल्डर पे चले जाना है। अब यहाँ पर आपको वो डोर सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला ओपन कर लेना है इसे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा टेक्सचर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इमेज है अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया, आ गया है। देखिए डिफॉल्ट जेनेरिक मटेरियल, ये वाला मटेरियल है हमारा, ये वाला डिफॉल्ट जेनेरिक, इसे क्लिक ड्रैग कीजिए और अपने डोर पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो डोर की जो साइज़ हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई, छोटी छोटी हो गई है। डोर की साइज़ बड़ी है और हमारा मटेरियल छोटा, तो इस तरह का नहीं चाहिए, एक डोर सिर्फ फिट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर आप विजुअलाइज में जा सकते हो और यहाँ पर आप मटेरियल में जाइए, विजुअलाइज में मटेरियल में जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा मटेरियल मैपिंग, मटेरियल मैपिंग मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ इस डोर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मटेरियल मैपिंग बॉक्स टाइप का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल मैपिंग आ गया है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इससे आप क्लिक कीजिए इस पे और क्लिक करने के बाद इसे आप इस तरह से बढ़ा सकते हो अपने डोर के साइज़ को। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ इसे इस तरह से, और फिर ऊपर के एरो को क्लिक करके आप इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हो। देखिए तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे डोर की साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, फिर भी थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें इसे। तो यहाँ पर मैं और भी इसे इंक्रीज़ करके फिट कर देता हूँ। तो आप देखिए हमारा डोर एग्जैक्टली पूरी तरह से फिट हो गया है। आप चाहो तो इसे इस तरह से मूवमेंट भी दे सकते हो एरो का इस्तेमाल करके। तो मूव तो मुझे नहीं करना है, यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। ये डोर हमारा बन चुका है। देखिए अब मैं इसे डायरेक्टली अपने यहाँ पर फिट कर देता हूँ, सी ओ फ्रॉ कॉपी, या फिर मूव कर लेते हैं मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट को फिट कर देंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो हमने डोर भी यहाँ पर फिट कर लिया है। साइड पैनल का डोर बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल REC, इस पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, और ये जो रेक्टेंगल हमें मिल रहा है इसे बाहर कर लेंगे एरो का इस्तेमाल करके। सेलेक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रूड, होम में एक्सट्रूड है यहाँ पर, एक्सट्रूड कर लेंगे 0.03, एंटर। मटेरियल MAT अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अलग मटेरियल अप्लाई करते हैं। फिर से क्रिएट करता हूँ मैं जेनेरिक मटेरियल, सॉरी यहाँ पर न्यू जेनेरिक मटेरियल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर नो इमेज सिलेक्टेड की जगह मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं फिलहाल इमेज सेलेक्ट करने वाला ये वाला, ओपन, तो आ गया है। आप चाहो तो यहाँ से भी पहले इंक्रीज कर सकते हो डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज की स्केल मिलेगी, साइज़ मिलेगी, तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। जैसे कि विड्थ मुझे चाहिए समझो यहाँ पर 1.2, तो 1.2 मीटर हाई विड्थ, और हाइट यहाँ पर आप ये लिंक को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों साइज सेम आएंगे आपके, इसे ऑफ कर देंगे तो ये हाइट आप चेंज कर सकते हो। तो 2.1 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाइट, तो यहाँ पर आपका जो मटेरियल होगा वो 1.2 बाय 2.1 में फिट आएगा। तो अब मैं अप्लाई कर देता हूँ ये मटेरियल अपने इस डोर को। तो यहाँ पर हमारा डोर 1.2 बाय 2.1 का था, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट फिट आया है, मगर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसे मटेरियल मैपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर विजुअलाइज में जाएंगे, मटेरियल मैपिंग में यहाँ पर बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पर ये मूव का सिर्फ गिज़मो आपको सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा मूव करके फिट करना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर पे। देखिए हमने मटेरियल मैपिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पर डोर फिटिंग कर लिया है। चलिए अब हम इसे मूव कर लेते हैं, सिलेक्ट M फॉर मूव मिड पॉइंट, और यहां पर हम लोग फिट कर देंगे यहां पर। ओके, इसी का आप इस्तेमाल करके यहां पर भी फिटिंग कर सकते हो। मैं कॉपी कर देता हूं इसी को, कॉपी कर लेते हैं, इसे रोटेट कर लेंगे हम लोग ऑर्बिट में। यहां पर रोटेट आता है गिज़मो रोटेट, यहां पर मैं इस तरह से इसे 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूं। एम फॉर मूव मिड पॉइंट दे देंगे यहां पर, और इसे मूव करके मैं यहां पर सेंटर पे रख लूंगा इसके।
देखिए हमने यहाँ पर डोर भी बना लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर हाइट आई थिंक थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। आप यहाँ पर हाइट को एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर प्रेस पुल करके आप हाइट कम कर सकते हैं, यहाँ से प्रेस पुल यहाँ तक, यहाँ पर जो आपका मटेरियल है इसे भी हम लोग प्रेस पुल कर लेंगे, ये जो मटेरियल है हमारा इसे भी, और थोड़ा सा हम लोग ये जो फ्रेम है हमारा इसे भी हम लोग प्रेस पुल, शेडेड मटेरियल देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा थोड़ा। तो ये हाइट की वजह से प्रॉब्लम आया, बाकी कुछ नहीं है। आप चाहो तो अलग डोर बना सकते हो अपने ऊपर के डोर्स के लिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस रीजन को कैप्चर करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर, तो ठीक है इसी तरह से हम लोग रहने देते हैं इसका। आप चाहो तो नया यहाँ पर डोर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगल लेके आप न्यू डोर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे आपको सिखाना था कि डोर कैसे यहाँ पर मटेरियल लेना है डोर के लिए, जो मैंने सिखा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुझे ग्रास का मटेरियल चाहिए, तो आप यहाँ पर ग्रास का मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, MAT एंटर, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ ग्रास का मटेरियल, या फिर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा साइट में। तो साइट पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर रोड का मटेरियल है, यहाँ पर ग्रास का भी है, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ग्रास का मटेरियल आपको दिखाई देगा। भाई ये बहुत ही डार्क मटेरियल है ग्रास का, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं एक नया मटेरियल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू जेनेरिक मटेरियल, और यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हो इसे, ग्रास वगैरह आपको अगर चाहिए ग्रास इस तरह से नाम डाल सकते हो इसका। और यहाँ पर मैं नो इमेज की जगह इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ग्रास मैंने अप्लाई आपको प्रोवाइड किया है ग्रास का मटेरियल फोल्डर में, तो ग्रास ले सकते हो। तो डबल क्लिक कीजिए इस पे, इसके इमेज की साइज आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैं 1 बाय 1 मीटर रख देता हूँ, 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब मैं ड्रैग करूंगा इस ग्रास के मटेरियल को और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए थोड़ा सा अभी थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, तो ये ग्रास का मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया है। तो हमने ये मटेरियल क्रिएट किया, इस तरह से अलग अलग मटेरियल आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग इमेज, मतलब फोटो का इस्तेमाल करके आप टेक्सचर्स यहाँ पर बना पाएंगे। 3D में कभी भी आपकी फाइल हैंग हो सकती है, इसलिए आप सेव की जरूर कीजिए, Ctrl+S, तो सेव करते रहना है आपको, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, डिलीट ना हो हमारी फाइल्स। अब यहाँ पर तो ग्रास नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई और मटेरियल बना देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, और इसकी हाइट दे देते हैं 0.02 की। यहाँ पर मैं टाइल वगैरह वर्क दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं साइट पे जाता हूँ, साइट पे बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर साइट से आप ले सकते हो मटेरियल। यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, तो मैं फिर से MAT प्रेस कर देता हूँ एंटर, और यहाँ पर मैं साइट वर्क के लिए कोई मटेरियल देखता हूँ, ये वुडन मटेरियल है एक, तो कुछ इस तरह का, तो आप चाहो तो इस तरह का रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरा चाहिए इस, ये थोड़ा सा वुडन में है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये वाला मटेरियल अप्लाई हो गया, चाहो तो ये वाला रख सकते हो या फिर ये वाला रख सकते हो, ऐसे बहुत से मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हैं। 2020 में थोड़े ज़्यादा मटेरियल के ऑप्शंस हैं, तो आप 2020 का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इस बंगलो का रेंडर रेडी करते हैं, तो अब लास्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं रेंडरिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैमरा सेट करना होगा अपना, तो कैमरा सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे विजुअलाइज में, और यहाँ पर आप कैमरा ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्रिएट कैमरा ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर टॉप व्यू देखता हूँ सबसे पहले, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में जाएंगे। आपका PC अगर हैंग हो रहा है रियलिस्टिक में, तो आप दूसरे विजुअल स्टाइल का इस्तेमाल कीजिए, शेडेड या फिर शेड्स ऑफ ग्रे, तो हैंग नहीं होगा। तो कैमरा सेटअप के बाद फिर से हम लोग उसे रियलिस्टिक कर देंगे, तो कैमरा क्रिएट करते हैं यहाँ पर, क्रिएट कैमरा, और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और इस टाइप इस तरह से फोकस रखते हैं इस साइड में हम लोग, क्लिक कर देते हैं यहाँ तक, एग्जिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा कैमरा क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे कैमरा पे, तो जो कैमरा में व्यू नज़र आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो थोड़ा सा कैमरा हम लोग थोड़ा सा एलिवेशन में जाता हूँ मैं ऐसे 3D में, और इस कैमरा को थोड़ा मूव कर लेता हूँ गिज़मो का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर गिज़मो ले लेंगे, मूव का गिज़मो, और ये जो हमारा बेस में बिल्कुल लगा हुआ है कैमरा, इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरह से
मूव कर सकते हैं, ओके इस तरह से। तो ये इस हाइट पे मैं रख देता हूँ इस कैमरे को। तो इस तरह से मूवमेंट दे सकते हो आप अपने एरो का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का कैमरा सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि कैमरा के फोकस को यहाँ पर, ये जो फोकस है यहाँ पर, इस पॉइंट को ऊपर करूँगा। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा। इस तरह से कैमरा को और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर का अच्छा से व्यू मिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ व्यू को, और यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फोकस की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बीच का फोकस होता है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें लुक करना है, तो नीचे कर देते हैं इसका फोकस इस तरह से, और रेंज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आप कैमरा को सेट कर सकते हो। थोड़ा कैमरा सेटअप ऑटोकैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है, तो 3D Max में रेंडर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग अपने कैमरे को सेट कर लिया है। ओके तो यहाँ पर हमारा कैमरा सेट हो चुका है। तो इस व्यू में मैं इसका रेंडर करना चाहता हूँ, इस व्यू में। तो लोग इस व्यू में रेंडर कर लेते हैं ये वाला व्यू। थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बढ़ा देते हैं हम, तो कुछ इस तरह का जूम करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए कैमरा सेटअप तो हमने कर लिया है। यहाँ पर रियलिस्टिक में भी आप देख सकते हो थोड़ा कि किस तरह का कैमरा सेट यहाँ पर हो गया है। इस तरह से ऊपर नीचे करके आप कैमरा मूव कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप मूवमेंट भी दे सकते हो अपने कैमरास को। क्लिक करना है जहाँ पर आपको पोजीशन चाहिए। मुझे ये पोजीशन सही लग रही है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ। तो हमारा कैमरा सेटअप तो हो गया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जाना है कस्टम व्यू में, और कैमरा वन को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपके डिस्प्ले में आपका आपने जो कैमरा सेट किया होगा वो व्यू आपको नज़र आएगा। अब चाहो तो यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने कैमरा को, ऑर्बिट वगैरह करके थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो यहाँ से भी आप सेट कर पाएंगे कैमरा व्यू को देख के यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसे रेंडर। चलिए रेंडर करते हैं इसे। तो रेंडर करने के लिए यहाँ पर विजुअलाइज में आना है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर सेटिंग मीडियम लो किस क्वालिटी में आपको चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं मीडियम रखता हूँ। डायरेक्ट रेंडर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा रेंडर पे, तो देखते हैं किस टाइप का रेंडर हमें यहाँ पर मिलता है। आपका पीसी जितना अच्छा होगा उतना फास्ट आपको रेंडर मिलेगा और क्लियर। ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, अगर पीसी में ग्राफिक्स कार्ड होगा तो आपको अच्छा रेंडर मिलेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर अपने बंगलो का रेंडर मिल चुका है। अगर आपको इस फोटो को सेव करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए सेव रेंडर, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हो कहीं पर भी आप जहाँ चाहो। तो हमें यहाँ पर स्काई वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ है, तो चलिए स्काई वगैरह हम लोग यहाँ पर अवेलेबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए स्काई ऑफ है, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग स्काई बैकग्राउंड एंड इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पर मैंने स्काई बैकग्राउंड रख लिया। यहाँ पर सन स्टेटस शेडोज यहाँ पर ऑन कर लेते हैं फुल शेडो, तो शेडो भी आपको नजर आएंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट रेंडर करता हूँ। देखिए यहाँ पर रेंडर, अब देखते हैं किस टाइप का रेंडर हमें मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा घर रेंडर हो रहा है मीडियम क्वालिटी में। जैसा आप कैमरा सेट करेंगे उस टाइप का आपको रेंडर यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर रेंडर कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वालिटी में यहाँ पर थोड़े चेंजेस करते हैं। तो क्वालिटी में यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 330 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ हाई क्वालिटी में। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। क्वालिटी को यहाँ पर मैं हाई कर देता हूँ। अब मैं इसकी रेंडर रेडी कर सकता हूँ। चलिए हम इसकी रेंडर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग कर लेने हैं सारे। आप लो क्वालिटी में पहले रेंडर करके देख सकते हो, आपकी इमेज जब अच्छी आने लगेगी तब आप फाइनल रेंडर क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए हमारा रेंडर लगभग अच्छा आ रहा है, यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर फाइनल रेंडर रेडी कर सकता हूँ। तो चलिए इसकी क्लैरिटी को हम लोग यहाँ पर DPI यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पर HD रख सकते हो या फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं हाई क्वालिटी का रेंडर यहाँ पर निकालने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हाई क्वालिटी रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल रेंडर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर स्काई बैकग्राउंड ऑन रखना है, यहाँ पर आपको शेडोज़ भी ऑन रखने हैं, और यहाँ पर रेंडर पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो रेंडर होगा, तो रेंडरिंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे देना है। यहाँ पर देखिए ये रेंडर हो रहा है, तो धीरे धीरे ये इमेज जो है क्लियर होती जाएगी और यहाँ पर ऑटोकैड में रेंडर प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑटोकैड में रेंडर को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पूरा रेंडर होने देता हूँ और चलिए मिलते हैं रेंडर होने के बाद। तो मैं यहाँ पर अपने रेंडर को स्टॉप करने जा रहा हूँ 50% में। आप चाहो तो इसे पूरा होने दे सकते हो, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर 3 मिनट का टाइम हो चुका है और 3 मिनट के बाद हमें इस टाइप का रेंडर यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। अगर हम थोड़ा और टाइम देते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल ट्यूटोरियल बनाना है तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहीं पर। तो मैं इस रेंडर को ऑफ करने के लिए यहाँ पर मैं कैंसल रेंडरिंग पे क्लिक करूंगा और कैंसल रेंडरिंग करने के बाद ये इस रेंडरिंग स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद आप इसे सेव कर सकते हो यहाँ से अपने फोल्डर पे। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, 2D प्लान रेंडरिंग सेव कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको रेंडर डेस्कटॉप में मिल जाएगा ये फोटो। अब ये फोटो थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे चाहो तो एडिट करके क्रॉप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे एडिट कर लेता हूँ पेंट पे, और पेंट में आने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ क्रॉप। तो मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एक्स, और इसे मैं पूरी तरह से डिलीट करके कंट्रोल पेस्ट करके ये पेंट में छोटी साइज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस फॉर सेव। तो देखिए मैंने इस फोटो को क्रॉप कर लिया है और हमें ये वाली रेंडरिंग आ गई है। तो आप चाहो तो और भी रेंडर्स निकाल सकते हो कैमरा सेट करके। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से फ्रंट कैमरा लेते हो तो फ्रंट का रेंडर आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रंट का भी एक रेंडर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर फ्रंट का रेंडर मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो टाइमिंग भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, टाइम भी चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल टाइम चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप सन एंड लोकेशन पे जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा टाइम सेट। तो यहाँ पर आप सन स्टेटस को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर कीप डिफॉल्ट लाइटिंग टर्न ऑफ ऑन सॉरी ऑन पे क्लिक कर देना है। कीप एक्सपोजर सेटिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जैसा आप टाइम सेट करोगे उस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट होगा। ये 2020 में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर हमको नज़र आता है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर टाइम सेट कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया था, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग रेंडर पे क्लिक करते हैं और इसका फ्रंट व्यू का एक रेंडर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसे भी मैं 24% में यहाँ पर स्टॉप करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो इसे पूरा रेंडर होने दे सकते हैं, उसके बाद आपको एक क्लियर इमेज मिल सकती है। ऑटोकैड में रेंडरिंग इतना एडवांस नहीं है तो आप ज़्यादा क्लियर इमेज या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर और इसे सेव कर लेते हैं बाहर डेस्कटॉप पे। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया है, अब कट कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग व्यूज़ आप अपने बंगलों के ले सकते हो। आपको नॉर्मल व्यू में आना है तो वापस आप इस होम पे राइट क्लिक कीजिए और पैरेलल व्यू देखिए, तो आप ये को यहाँ पर वापस से नज़र आएगा, आपका कैमरा भी नज़र आएगा। आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो अपने कैमरा को। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर कर पाएंगे ऑटोकैड में। अगर आप इसे 3D Max में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3D Max में रेंडरिंग और टेक्सचरिंग के बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं 3D के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।